सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग. सो दोस्तों कल जो हमने किया था एक बार करेंगे रिवाइज. डू यू नो डू यू रिमेंबर व्हाट एवर वी हैव डन यस्टरडे. आपको जवाब देना कल हमने क्या किया था. कल सर आपने कहा था कि एफएम सब्जेक्ट को क्यों आया, जिसके लिए आपने कुछ खास लोगों के एग्जांपल भी कर लिए थे. कैन यू प्लीज टेल मी वो कौन से तीन एग्जांपल है जिन्होंने अपनी जिंदगी में फाइनेंस को मैनेज नहीं किया जिसकी वजह से उनकी लग गई वाट, जो हो गए बर्बाद. बताएंगे दोस्तों नंबर वन वीडियो कॉल, नंबर टू किंग फिशर, नंबर थ्री सो बिग शेयर, नंबर फोर डीएसके. चार एग्जाम्पल हमने देखे और इन लोगों की बर्बादी हुई ओनली बिकॉज दे कुड नॉट मैनेज देयर. So can you please recall the story of Subhiksha? They had started many retail centers all across India, jabki unke paas mein paise hi nahi the. They have borrowed funds. Kisse paise borrow kiye inhone? Aur phir kya hua? Achhi baat hai na, bank se borrow kiya. Problem kya hui? Itna borrowing kara, dhanda chalne ka naam nahi. Ek samay ye ho gaya ki dhanda ho gaya kam aur interest dena ho gaya. Us case mein kya hua? Company ko karna pada majburan. डीएसके ने भी तो वही किया था. ड्रीम सिटी का आखिर सपना सपना ही रहेगा. दोस्तों इंसान ने उतने ही पैर को फैलाना चाहिए, जरूरत से ज्यादा. फाइनेंस में अगर डीएसके हमारी क्लास कर लेते भाई और बहनों, आज एक कंपनी, उन्होंने बताओ क्या गलती करी थी, सारा चीज कहां से, पूरा डेट 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 क्या नहीं था उनके पास. They were not having their own funds. और इतना एक समय पे उनको बैच देना पड़ा कि आखिर में कंपनी बंद हो गई. वीडियो कॉन के प्रोडक्ट खराब थे क्या? वीडियो कॉन के प्रोडक्ट खराब होते हैं फिर भी कंपनी बर्बाद हो जाती, बिकॉज दे कुड नॉट मैनेज देयर. क्या किया इन्होंने? उन क्षेत्रों में पैसे लगा दिए जहां पे उनकी पकड़ नहीं है. अननेसेसरी बैंक से बोरो करते गए, मोर देन 20,000 crore रुपए दे बोरो फ्रॉम द बैंक. और एक समय आ गया कंपनी का ये हाल हो गया कि उनको इंटरेस्ट देने तक कभी पैसा नहीं बचा. और विजय माल्या के बारे में कौन नहीं जानता, शौकीन है. आप बताएंगे क्या शौक है इनके? आप बताएंगे दोस्तों किंगफिशर एयरलाइंस को चालू करने का कॉन्सेप्ट ही गलत है. चलो बात वहां तक ठीक थी, उसके बाद में और दूसरी गलती क्या की? एयरडेक्कन इस कंपनी को परचेस किया 550 crore में, वो भी वन मोर गलती डन बाय. और आप जानते हो जब हमारे पास में पैसे ही नहीं है तो इतना एक्सपेंशन करना क्यों चाहिए, राइट एवरीवन? तो ये सारी गलतियों से आपको समझ ही गया होगा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, वरना हमारे हाल भी सुभिक्षा, किंगफिशर, वीडियोकॉन और डीएसके जैसे हो सकते हैं. अच्छा दोस्तों कल एक बात बताई थी मैंने आपको कि अगर मैं कभी भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो मुझे क्या चाहिए. I've given you example of me and my friend Mayur ji. और हम चालू करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का कंपनी. टेल मी उसको चालू करने लिए सबसे पहले क्या चाहिए मेरे पास में? अरे क्या चाहिए? अगर मुझे बिल्डिंग बनाना है तो मुझे सीमेंट चाहिए, मुझे लेबर चाहिए, मुझे लैंड चाहिए, सब चाहिए. पर सब लाने के लिए क्या चाहिए? पैसा. जो मेरे पास में नहीं, इसलिए सबसे पहले क्या होता है, दुकान चालू होती है पहले पैसा लाना होगा, पैसा लाना होगा. इसीलिए एफएम सिलेबस को दो पार्ट में डिवाइड किया है. आप कोई प्रवचन में बैठे हो? मैंने पूछा कि इसीलिए एफएम को, तो आपने सुना, सुन के हल्की सी मुस्कुराहट आपने दी, फिर मैंने आपके पास देखा, आपने मेरे पास देखा, हमने दो बार एक दूसरे को देख लिया. अभी तक आपके साइड से कोई जवाब. FM subject is divided into two parts. Number one, procurement, and then what? Come on. एक तरफ से पैसा आएगा, दूसरी तरफ पैसा आएगा. तो पहले क्या सीखेंगे? पैसा आएगा. So बताएंगे दोस्तों procurement मतलब ही sources of finance. आपसे एक सवाल पूछेंगे, जब भी हम लोग funds किसी market से raise करेंगे उस समय हमारी नीतिमत्ता क्या चाहिए? Whenever we want to raise funds, हमारी नीति मत्ता है कि कम से कम पैसों में सस्ता फंड समय बाजार में अवेलेबल हो जाए. Can you please tell me some of the sources of funds? आपने डेट कहा, मुझे खुशी हुई. इक्विटी कहा, और लोन्स कहेंगे, बोरोइंग कहेंगे, खुद के रिजर्व्स कहेंगे, सारी चीजें हमारी सोर्सेस ऑफ फंड्स में आ जाती है. आप बताएंगे दोस्तों दूसरा चैप्टर का नाम आपके सामने स्क्रीन पर है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल. जब भी मैं सोर्स लेता हूं, मार्केट से पैसे लाता हूं,
तो कॉस्ट कैसी होना चाहिए? तो ये चैप्टर में इसी कहता कि कॉस्ट हमने कम करना चाहिए। तीसरा चैप्टर हमारे सिलेबस में दे दिया कैपिटल स्ट्रक्चर, जिसको समझाने के लिए मैं रिलायंस का कल बैलेंस शीट भी देख लिया। इफ यू रिमेंबर, रिलायंस के कैपिटल स्ट्रक्चर में बाहर का पैसा ज्यादा है या खुद का पैसा ज्यादा है? इसलिए वो डीएसके नहीं बना है। वो होशियार और चालाक है, उतने ही काम करते हैं जितने की औकात है। औकात किससे समझ में आती है? बोरोइंग से या रिजर्व से? आज के बाद में किसी के बैलेंस शीट पे पहले बोरोइंग में देख लो, क्या स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है, 60 करोड़ का लाइबिलिटी है। ये देखने से पहले ये देखना जरूरी है उसके मतलब खुद के कमाए हुए रिजर्व्स के शेयर कैपिटल का पैसा कितना ज्यादा है। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कम ऑन एवरीवन। सो बताएंगे रिलायंस के जो भी बोरोइंग्स है, जो डेट है, जो इक्विटी है, इनका सबका कॉम्बिनेशन ही क्या मैं कैपिटल स्ट्रक्चर मान सकता हूं? अरे हाँ या ना। अगला सवाल लेवरेज। और अब लेवरेज के अंदर हम इतना अंदर चले जाएंगे, आज से शुरुआत होगी एक नई दास्तान की। आज से हमारे एफएम का पहला चैप्टर शुरू। नाम तो सुना ही हुआ, लेवरेज। कुछ लोग लिवरेज बोलते हैं, कुछ लोग लेवरेज बोलते हैं। लेवरेज बोलिए, ठीक लगता है सुनने में। क्या बोलेंगे? लेवरेज। ओके, आपसे सवाल है, लेवरेज को अगर मैं समझाना चालू कर रहा हूँ और मेरे चैप्टर चालू हो रहे हैं और आप सभी जानते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स में हम लोग गए नहीं, बिकॉज ये अपने आप में एक अलग चीज है। जब हमारे प्रोक्योरमेंट्स वाले चैप्टर खत्म हो जाएंगे, विल शिफ्ट टू यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, राइट एवरीबॉडी। तो ये सारे चार चैप्टर्स हमारे सिलेबस में, उससे सबसे पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे लेवरेज। सो दोस्तों, हमें ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिससे वैसे हमें फायदा हो जाए, उसको कहते हैं लेवरेज। लेवरेज मतलब फायदा उठाना, हिंदी में बोलते हैं ऐसी परिस्थिति अनुकूल करना जिसकी वजह से कंपनी को फायदा हो जाए, ऐसा उसका हिंदी में कन्वर्जन होता है। ऐसी परिस्थितियों का अवेलेबल हो जाना जिसके से कंपनी विल बी इन द पोजिशन ऑफ एडवांटेज। लेवरेज मतलब फायदे की बात है, अच्छी बात, जिसके से कंपनी को क्या होगा? फायदा होगा। चलो ठीक है ना, ये उसका कॉन्सेप्ट है। अब जब मैं धीरे धीरे उसके अंदर जाऊंगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। अब से आपकी नोटबुक चालू, आपका पेन चालू, सब कुछ एकदम कैलसी के साथ में। आर यू रेडी गाइस? कम ऑन। हाँ जी, सब लोग रेडी हो जाना चाहिए यहाँ पे। आइए आइए प्लीज। अच्छा, आई एम सॉरी। चालू करेंगे। चैप्टर का नाम दीजिए आपके नोटबुक में, लेवरेज। चैप्टर का नाम लेवरेज। चालू करें जाए। बहुत मजे करेंगे भैया, बहुत भारी चैप्टर है। ओके चल, आपके सामने स्क्रीन पर आपको तीन टाइप के लेवरेजेस दिख रहे होंगे। हाउ मेनी टाइप्स? एक बार आप खुद से नाम पढ़ेंगे, सबसे पहला कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन, और तीसरे नंबर पर कौन। वैसे कॉम्बिनेशन को अलग से समझाने की जरूरत ज्यादा नहीं होती, व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस टू ये ऑटोमेटिकली समझ में आता है। मेहनत सिर्फ पहले दो पे करना है, दो का समझना मतलब तीसरे का ऑटोमेटिक समझना हो जाएगा। यू हैव टू फोकस मेनली ऑन फर्स्ट टू। ओके, और इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट के ऊपर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर पहले मतलब होता क्या है एफएम में? एफएम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रॉब्लम्स को समझने से पहले क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट्स, उसके फॉर्मूलाज को समझना जरूरी है। आज हम लोग प्रॉब्लम्स कुछ करेंगे, कॉन्सेप्ट ज्यादा पढ़ेंगे, पर आज का लेक्चर फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, बिकॉज आज के लेक्चर के ऊपर ही अगले लेक्चर्स निर्भर होंगे। सबसे पहली बात क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, इसको कहते हैं डॉल। क्या कहते हैं? डॉल, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, और उसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी कहते हैं। उसके नीचे क्या लिखा है जरा पढ़िए, टेकिंग एडवांटेज ऑफ। ऐसा माहौल बना दो
कि आपको एडवांटेज मिले, और वहां पे लिखा है ऑपरेटिंग द फिक्स्ड कॉस्ट. फिर कुछ लोग समझेंगे सर फिक्स्ड कॉस्ट करके, फिक्स्ड कॉस्ट तो कॉस्ट है, उससे कैसे एडवांटेज हो जाएगा. कल मैंने थोड़ी झलक बताई थी, कुछ लोगों को याद है, पर फिर से ऐसा समझाएंगे जैसे आपने कल कुछ पढ़ा ही नहीं, ठीक है ना. ओके, कुछ लोग आज पहली बार क्लास में बैठे हुए हैं, आपको जरा ऐसा फील नहीं हुआ मैं कल वाला कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, अभी पूरा फ्रेश नया. ओके, लेवरेज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, कम ऑन एवरीबॉडी, लेवरेज. चलो देखते हैं कैसे करना होगा. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी 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 इंटरेस्टिंग. ओके, ये है नोट, योर पेन. ओके, अब देखना बच्चों, हम लोग आपसे कुछ पूछेंगे सेल के बारे में. चलो सेल है मान लो 1000. ओके, कोई प्रॉब्लम है इसमें? सेल 1000 का हो सकता है. सेल होगा तो कौन सी कॉस्ट माइनस हो जाती है? वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स्ड कॉस्ट हो जाती है, राइट. तो सबसे पहले हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें? ये आपको कैसे पता हुआ? कॉस्टिंग में, कॉस्टिंग में सब कुछ पढ़ा हुआ है, मतलब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं वेरिएबल कॉस्ट होता है और ये सब कुछ होता है. बट एनीवेज, वेरिएबल कॉस्ट वो होता है जो वेरी करता है, उस वो सेल्स के प्रपोर्शन में बढ़ता है ना. जितना सेल होगा उस प्रपोर्शन में जो बढ़ता है उसको वेरिएबल कहेंगे, और इररेस्पेक्टिव सेल जो वैल्यू कॉन्स्टेंट रह जाती है उसको फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं. चलो वन सेकेंड, चलो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ. कोई धंधों का वेरिएबल कॉस्ट है, और कुछ धंधों में, मतलब एक धंधों में वेरिएबल कॉस्ट भी होती है और फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है. तो मैं अगर आपसे पूछूंगा कोई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है तो उसकी फ्यूल कॉस्ट क्या होगी? क्यों? जितना चलेगा उतना पेट्रोल जलेगा, तो मतलब इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. पर उस धंधे में कुछ फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है. जिसने ट्रक परचेस कर लिया, वॉल्वो परचेस कर लिया, इज इट अ फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कुछ चीज़ों है वो इट विल रिमेन सेम, और कुछ चीज़ें वेरिएबल होती है. तो वो मुझे समझाने की बहुत जरूरत नहीं. फिक्स्ड मतलब इट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड, चाहे आप कितना भी सेल कर लो, बोलो भाई. और वेरिएबल वेरिएबल होती है. जैसे कि मान लो एडिबल ऑयल की बात करें, चलो एक कोई एडिबल ऑयल का ब्रांड बताइए जो आप खाने का तेल यूज करते हैं घर पे. सफोला, सनफ्लावर, जेमिनी, फॉर्च्यून, ये सारे एडिबल ऑयल के ब्रांड्स चलते हैं. आप मुझे बताओ ऐसे फैक्ट्री में क्या वेरिएबल कॉस्ट होंगे? मशीन वेरिएबल कॉस्ट, रॉ मटेरियल. जैसे क्या रॉ मटेरियल लगता होगा? सोयाबीन है, ग्राउंड नट, ये वेरिएबल है या फिक्स्ड होते होंगे? वेरिएबल. जितना एडिबल ऑयल निकलेगा उतना आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ता रहेगा, आपको उतने ग्राउंड नट लगेंगे, वो सब कुछ पता है. और जो मशीन उसकी लगाई हुई है, मतलब चाहे कितना भी एडिबल ऑयल निकाले, द कॉस्ट विल रिमेन फिक्स्ड. इसमें अब मुझे ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं, चर्चा का विषय आज कुछ अलग है. इसमें सिर्फ जानने की कोशिश कर रहा था कि वेरिएबल और फिक्स्ड पता है कि नहीं, बाकी मुझे उस पर कोई मतलब नहीं ज्यादा, ठीक है ना. मेरा पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट लेवरेज चल रहा है. ओके, यहां से मैं माइनस करना चाहूंगा वेरिएबल कॉस्ट को, राइट. अंदाजन मान लेती है 300 रुपए है, तो आप बताएंगे मुझे अब की बार हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ? कोई शक इसमें नहीं. अगर मैं यहां पे पूछूंगा फिक्स्ड कॉस्ट, चलो मान लेते फिक्स्ड कॉस्ट 0 है. ऐसा धंधा है जिसमें फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है. ऐसा कोई धंधा बताया आपको? सारा धंधे में फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं, या फिर बहुत नेग्लिजिबल है. स्पेशली वो कंपनी जो बीपीओ आईटी कंपनीज करते ना, उनका कुछ होता नहीं ऐसे. वो रेंटेड जगह लेते एक, और आप 50-100 एम्प्लॉय को बिठा के कॉल पे सर्विस देते. तो क्या था? फोन बिल भी वेरिएबल, इंटरनेट का बिल वेरिएबल, और रेंट की जगह वेरिएबल. वो कोई प्लांट मशीनरी खड़ा करके कॉलिंग नहीं करना है. वो कोई एडिबल ऑयल की फैक्ट्री नहीं है, शुगर फैक्ट्री नहीं. अंडरस्टैंड करो जो मैं कह रहा हूँ. ये पुणे में मगरपट्टा में जाओगे आप, या खराड़ी में जाओगे, हिंजौड़ी में, ये धंधा है ऐसा है जिनकी फिक्स कॉस्ट ही नहीं है. इन लोगों ने तो जहाँ पे उनके एम्प्लॉय काम करते हैं वो बिल्डिंग भी परचेस नहीं की, पूरा रेंटेड करते हैं. फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं, थोड़ा बहुत होता होगा, आई मीन जो कि नेग्लिजिबल है, बट ज्यादा प्रमाण में क्या है? वो वेरिएबल है. चलो ठीक है, ऐसा मान लेते कि फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा धंधा है, इमेजिन कर लीजिए उसमें फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं. चलो ठीक है, तो अपना क्या निकल जाएगा भाई यहां पे?
क्या निकलेगा अभी? ईबीआईटी अपना कितना, सॉरी सेवन, आई एम सॉरी, 700. अभी ये 700 है, चलो मैं एक काम करता हूं, अब की बार हमारा सेल बढ़ा देंगे, ठीक है ना? यहां तक मैं रुकता हूं, सेल बढ़ाते. कहानी नंबर टू, अगर हमारा सेल 1000 से बढ़ के मान लीजिए 2000 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जाएगा? 30%. अब की बार इट विल बिकम 600. आप मुझे जवाब देंगे, अब कितना हो जाएगा वो? अब हो जाएगा वो 1400. बराबर है? आप मुझे बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? वो तो पहले भी जीरो थी, अब भी जीरो ही है, ये कितना हुआ मुझे बताओ. अगर मैं आपसे कहूं यहां का सेल जो है वो कितने से बढ़ा है और इनका ईबीआईटी से भी कितने से बढ़ा, मतलब जितने प्रमाण में सेल बढ़ा है उसी प्रमाण में आपका ईबीआईटी बढ़ा है, मतलब की बार लेवरेज हो गए. एक मतलब लेवरेज ही नहीं है, मतलब आप एडवांटेजेस पोजीशन में ही नहीं हो. आपका सेल चाहे जितना बढ़ जाए प्रॉफिट उसी प्रमाण में बढ़ता है. ऐसे केस में लेवरेज वाली सिचुएशन ही नहीं है, ये लेवरेज नहीं वाली सिचुएशन. मैं आपको पहले वो पढ़ा रहा हूं लेवरेज नहीं मतलब क्या. अब इसके बाद में इसमें क्या फायदा, आप चाहे तुम कितना भी सेल बढ़ा दो प्रॉफिट उसी परसेंट उसी प्रपोर्शन में बढ़ेगा. अरे बोलो ना, अगर मान लीजिए मैं चलो सेल 3000 कर देता हूं तो क्या होगा सर? कुछ नहीं होगा. ये कितना हो जाएगा और ये कितना बचेगा और ये कितना हो जाएगा? सलाह मतलब सेल्स को बढ़ा के सिर्फ प्रॉफिट उतना ही बढ़ता है जितना सेल का प्रमाण बढ़ा है. मतलब अगर 1000 से 3000 हुआ है, मतलब कितने परसेंटेज प्रॉफिट, कितने परसेंटेज हमारा सेल बढ़ा है? 200% से. तो 200% से सेल बढ़ा है तो हमारा जो ईबीआईटी है वो भी 200% से ही बढ़ा है. बराबर है? एबल टू अंडरस्टैंड दिस? इसमें लेवरेज अगर मानेंगे तो अगर इसका फॉर्मूला जो होता है वो ये कहता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन. समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं? ठीक है, तो अब देखो यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला दिखा देता हूं तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं. आपके बुक में इसका फॉर्मूला भी है, फिर भी मैं एक बार पहले दिखाता हूं, आपको लिखवाना है मुझे, एक बार देख लीजिए क्या लिखा है ड्यूएल का फॉर्मूला. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, तो अपना कितना ईबीआईटी चेंज हुआ है? 200% से. परसेंटेज चेंज इन सेल्स कितना हुआ? तो 200% अपॉन 200%, मतलब एक ही होगा. मतलब यू आर नॉट क्रिएटिंग लेवरेज, ये लेवरेज वाली सिचुएशन नहीं है. मैं थोड़े से अगर दूसरा एग्जांपल लूंगा तो आपको क्लियरली समझ जाएगा मैं किस टाइप के लेवरेज की बात कर रहा हूं. ओके ठीक है, अध्याय से सुनना. ओके, यहां पे हम लोग लिखेंगे DOL. डॉल का लॉन्ग फॉर्म बोलेंगे प्लीज. अरे बोलो भाई, डिग्री ऑफ, क्या फॉर्मूला है इसका? चेंज इन ई बी अपॉन क्या करें? बहुत खूब, तो इसको लगा लेते हैं यहां पे. फर्स्ट टू कॉलम्स को देखते हैं, कितना परसेंटेज सेल चेंज हुआ? ये 100% कैसे आता, कुछ लोगों को डाउट है. पहले 1000 था, अब 2000 हुआ, मतलब कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई, उसको कैसे निकालते मालूम है आपको? अगर ये ये अगर जानना है इसको निकालते कैसे, तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अगर निकालना है तो कितना चेंज हुआ मेरे अंदर? 1000 का 2000 हुआ तो कितना चेंज हुआ? तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा इसमें? 1000. पर कितने पे चेंज हुआ? 1000 पे. तो मतलब 1000 अपॉन 1000, तो कितना परसेंटेज हुआ है? समझा मैं क्या करने की कोशिश कर? वैसे कुछ लोगों को डायरेक्टली समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं. 1000 का 2000 हुआ मतलब ही 100% हुआ, इसमें ऐसा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. पर मैं बता रहा हूं ऐसा कैसे, क्योंकि कभी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी
तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स गलत हो जाएगा, वो चेंज हुआ वो गलत हुआ तो आपका डॉलर गलत निकला, इसलिए वो गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए एक बार समझा रहा हूँ ओके। और अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन, ये EBIT लिखा गया मैंने, सेल्स लिख देता हूँ कोई बात नहीं, और यहां पे क्या लिखूं, परसेंटेज चेंज इन, बोलो तो कैसे निकालते इसमें, कितना चेंज हुआ एक बार देखिए, कितना था पहले, अब कितना हुआ, कितना ज्यादा हुआ, 700 कितने पे ज्यादा हुआ, 700 पे, 700 ज्यादा हुआ, पर कितने पे ज्यादा हुआ, तो कितना ज्यादा हुआ, 700, कितने पे ज्यादा हुआ, 700, मतलब कितना ग्रोथ हुआ, बराबर है। ये निकालने की आपको एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं, इसे बता रहा हूं कि अच्छा ऐसे निकाला जाता है, एक दो बार बताऊंगा, बाद में नहीं बताऊंगा, ठीक है। अब बताओ क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 upon 100 इज इक्वल टू डॉल हो गया अपना 1, इसको कहते हैं 1 टाइम, लिखते समय इसको टाइम लिखते हैं, टाइम्स में कितने टाइम्स बदलते हैं। अच्छा कोई मुझे समझाएगा इस 1 का मतलब क्या है, लेवरेज 1 है मतलब क्या, अगर मैं बोलूंगा लेवरेज 1 है तो इस फिगर को देख के बताओ कि अगर जब ये एक टाइम से बढ़ता है, अरे बोलो ना कुछ, जब ये एक टाइम से बढ़ता है, आगे बोलो, तो ये भी एक टाइम से ही बढ़ता है। अगर मान लीजिए 2 आता तो आप क्या बोलते हैं, जब ये एक टाइम से बढ़ता है तो ये 2 गुना बढ़ता है, समझ में, मैं क्या बोलूं, अगर लेवरेज 3 होता तो क्या बोलते हैं, जब हमारा सेल 1 से बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट 3 गुना बढ़ जाता है। अपनी भाषा को और बदलता हूं, अगर 4 लेवरेज होता तो मतलब क्या होता है, जब हमारा सेल 1 गुना बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट 4 गुना बढ़ जाता है। अब की बार वो 1 टाइम है, इसका मतलब ये हुआ अगर सेल मेरा 1 गुना बढ़ा है तो प्रॉफिट भी सिर्फ 1 गुना ही बढ़ता है। एबल टू अंडरस्टैंड, ये वो सिचुएशन जहां पे आपको लेवरेज क्रिएट नहीं करते आ रहा है, 1 से सेल बढ़ा है, 1 से ही प्रॉफिट बढ़ा, तो क्या झंडे गाड़ लिया आपने, हमें तो बाबा रामदेव बनना है। अब मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, अब मैं आपको बाबा रामदेव दिखा रहा हूं, बाबा रामदेव को देखने के बाद में आपको बताना है मुझे बाबा रामदेव का केस स्टडी मैंने क्यों लिया, और बाबा रामदेव कैसे लेवरेज क्रिएट कर रहे, बाबा रामदेव ने कैसे डॉल को क्रिएट किया। पहले वीडियो देखते और देखते बाबा रामदेव की कहानी का सच आपके सामने, बाबा आपके बीच इस समय। ई कॉमर्स में धमाकेदार एंट्री की है, आपको पतंजलि जैसी ऑनलाइन वेबसाइट पर भी मिलेंगे, इसके लिए बाबा रामदेव ने ई कॉमर्स कंपनियों के साथ करार किया है। ये तस्वीरें देश की बड़ी बड़ी FMCG कंपनियों की नींद उड़ाने वाली हैं। पतंजलि के प्रोडक्ट्स लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने अब ई कॉमर्स में धमाकेदार एंट्री की है। अब पतंजलि के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ऑनलाइन भी मिलेंगे, इसके लिए पतंजलि ने बड़ी ई रिटेलर कंपनियों के साथ करार किया है। अब ग्राहकों को पतंजलि के प्रोडक्ट्स अमेजोन, फ्लिपकार्ट, पेटीएम मॉल, ग्रोफर्स और बिग बास्केट समेत दूसरे बड़े ऑनलाइन पोर्टल्स पर मिल जाएंगे। इनके अलावा पतंजलि अपने प्रोडक्ट्स शॉप क्लूज, नेटमेड्स और 1MG के जरिए भी बेचेगी। ई कॉमर्स पर ऑनलाइन सेल के ऊपर जो हमारा ये कार्यक्रम, इसका नाम ही रखा हमने खरीदवार से हर बार तक। करार के साथ ही कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए सालाना 1 से 2 हजार करोड़ रुपए के प्रोडक्ट्स बेचने का लक्ष्य रखा है। पतंजलि पहले से ही हर व्यक्ति के हित के लिए और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए प्रयासरत था। वित्त वर्ष 2016-17 में पतंजलि का टर्नओवर 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का रहा था। मौजूदा वित्त वर्ष में कंपनी ने 2 गुने ग्रोथ की उम्मीद जताई है। ऑनलाइन एंट्री के साथ ही पॉइंट टू बी नोटेड, ये अपना सेल 2 गुना होने की उम्मीद जता रहे हैं। साल 16-17 में ये 10,000 करोड़ था, राइट, और उनको उम्मीद है 17-18 में कितना हो जाएगा वो इनका। अब ये वीडियो के हिसाब से वीडियो थोड़ा सा पुराना है, आप बोलेंगे 17-18 तो खत्म हो गया, राइट, अंडरस्टैंड। और उन्होंने ऑनलाइन में भी एंट्री की है। मैं सिर्फ आपको क्लू दे रहा हूं कि मैं डॉल पढ़ा रहा हूं, वैसे डॉल और बाबा रामदेव, मतलब बाबा रामदेव को भी डॉल समझता है ये बात आपको। बाबा रामदेव सिर्फ योगी नहीं है,
वो योग जरूर सिखा रहे हैं, पर बाबा बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बाबा बिजनेस टाइकून है, वो एफएम को बहुत अच्छी तरह से समझने वाला एक योगी बाबा है। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ रहे हैं वो बाबा कर चुके हैं। नहीं वैसे बाबा रामदेव हमारे बचपन के दोस्त थे, वो मैटर अलग है। पतंजलि की पहुंच देश के कोने कोने तक हो गई है। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि देश की बड़ी एफएमसीजी कंपनियों को कड़ी टक्कर दे रही है। पतंजलि की धमक ऐसी है कि अब दूसरी एफएमसीजी कंपनियां भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और जैसे कि हमने आपसे वादा किया था और जिस तरह से लगातार ये विस्तार कर रहे हैं बाबा रामदेव, इस वक्त बाबा रामदेव खुद हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार तालियां यार बाबा रामदेव हमारे शो में इस वक्त स्टूडियो में, और आगे का उनका मास्टर प्लान क्या होगा उन्हीं से आज हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो बाबा रामदेव जी, आपको मैं योग गुरु कहूं या बिजनेस गुरु कहूं? देखिए मीमांसा बहन, बहन मैं स्वभाव से योगी और कर्मयोगी हूं, और जो भी मैं कुछ कर रहा हूं कमो बेश इस देश के लिए उपयोगी हूं, मैं इतना ही कह सकता हूं। ये योग मेरा स्वभाव है और उद्योग उसका बाय प्रोडक्ट है। वाह। तो 2016-17 में 10,000 करोड़ का टर्नओवर, एफएमसीजी बाजार में आपने पहले से ही बहुत धूम मचाई हुई थी, और अब ई कॉमर्स में आपकी धमाकेदार एंट्री। लेकिन ये ऑनलाइन बाजार में आने की जरूरत आखिरकार बाबा रामदेव जी आपको क्यों महसूस हुई? देखिए करीब 40 करोड़ यंगस्टर्स हैं हमारे, जो 50 से लेकर के 40 के बीच के लोग हैं, वो आज चाहे वो यूट्यूब है, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब जगह छाए हुए हैं। उनको घर बैठे सामान चाहिए पतंजलि का, इतनी स्पीड में रहते हैं वो, उनको इतना कंफर्ट और कन्वीनियंस चाहिए कि उनको बाजार जाने की फुर्सत नहीं है। तो हमने ये एक आधार दिया उनको कि अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग करते थे तो इनको कॉलगेट मिलता था, यूनिलीवर के प्रोडक्ट मिलते थे, पीएनजी के प्रोडक्ट मिलते थे, नेस्ले के प्रोडक्ट मिलते थे, लेकिन पतंजलि उस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध नहीं था। आज हमने 8 जो बड़े प्लेटफॉर्म हैं उनको एक साथ पतंजलि के साथ जोड़ा है, और 10,00,000 लोगों तक हम डेली डिलीवरी कर सकते हैं। इतना बड़ा आधार और एक बहुत बड़ा बाजार, उसके ऊपर अब पतंजलि ने एंट्री की है, तो मुझे लगता है कि अगले साल तक का हम 1 से 2 हज़ार करोड़ के बीच पहुंच जाएंगे। अभी हमने ट्रायल ही किया था, उसी में हमने सारी विदेशी कंपनियों को मात दे दी, तो आगे उम्मीद है कि पतंजलि कैसे बोलते हैं ना, इनका देख के किसका बीपी आया होता है, मतलब एचयूएल वगैरह कितना है, इतना बिजनेस किया है बाबा ने। एक पुराने जमाने में कंपनी, वो बैद्यनाथ वगैरह तो पता नहीं कहाँ लुट गए, वो नहीं कि बाबा के कॉम्पिटिटर बैद्यनाथ, और वो जो थे ना पहले आयुर्वेदिक का नारा लगा बैद्यनाथ, तो चूर्ण वगैरह आता था। देखो बाबा ने इनको सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। बाबा कैसा है, ये सिर्फ आयुर्वेदिक तक सीमित नहीं, ये आयुर्वेदिक तो है पर ये बाबा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी जानते हैं, ये बाबा ने अब टेक्नोलॉजी भी इन्वॉल्व कर ली, ये थोड़ा सा डायनामिक बाबा है। जैसे बाबा वेट करना, तो अब बच्चों को पढ़ना भी है, बताएंगे बाबा का ये आपने जो वीडियो देखा क्या समझ रहा है आपको यहाँ पे? बाबा का वीडियो इस क्लास में क्यों? और बाबा का ये भी मानना है 10,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो 20,000 करोड़ हो जाएगा। बाबा लगातार अपने सेल्स को बढ़ाने में लगे हैं, आखिर बाबा को इतनी सेल्स बढ़ाने की मस्ती क्यों? बाबा लगातार अपना सेल बढ़ा रहे हैं, आज हमें जानने का समय आ चुका है कि बाबा आखिर क्या करना चाह रहे हैं, क्या इस चैप्टर से कुछ है उसके तालुकात, क्या है बाबा का गेम प्लान, जानी है इसका सच। दोस्तों कौन समझाएगा मुझे बाबा की इस कहानी का सच क्या, बाबा का गेम प्लान कौन जवाब देगा भाई? कोई भी नहीं। बाबा ने सेल्स बढ़ाए हैं, क्या करना चाहते हैं? मैं यहां पर लिख रहा हूं एक साइड में बाबा का सेल 10,000 करोड़, और मैं यहां पर लिख रहा हूं सेल, और यहां पे लिखूंगा मैं 20,000 करोड़। अब जवाब देना होगा, क्या बाबा को डॉल मिलेगी? क्या बाबा को आखिरकार मिल जाएगी डॉल? मिस्टर रविश खड़े हो जाइए, आप बोलिए भाई, माइक दे बेटा उधर, इधर से माइक पास कर दे प्लीज। हाँ जी मिस्टर रविश,
हेलो हाँ जी सर, क्योंकि उनकी फिक्स कॉस्ट तो सेम है, अब वो अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपने प्रोडक्ट्स ला रहे हैं तो उनकी सेल्स इंक्रीज होगी, तो उनका लेवरेज इंक्रीज होगा ना, ईबीआईटी उनका इंक्रीज होगा सर, क्योंकि आपको ऐसा लगता है? यस सर। मतलब क्या बढ़ेगा और फिर भी क्या कांस्टेंट रह जाएगा? वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी सर। मतलब बाबा का अगर टूथपेस्ट बिक रहा है, दंत कांति बिक रही है, केश कांति बिक रही है, रॉ मटेरियल यूज होता है वो इंक्रीज होगा, बट फिक्स कॉस्ट है मशीन वगैरह जिससे वो बनता है वो तो सर सेम है ना, वो इट विल रिमेन सेम। यस सर। बाबा का घी भी आता है? घी सर, गाय तो उतनी है ना सर। अरे वो किसने पूछा, गाय तो एनीवेज आपका लक्ष्य कुछ और था बेटा। घी का जो सेल बढ़ रहा है तो बाबा के घी के फैक्ट्री में हम ले जाएंगे आपको, और आप पूछेंगे मुझे सर बाबा के घी की फैक्ट्री क्यों दिखाई जा रही है। वेट, पतंजलि इस वीडियो को देख के था ना, बाबा अगर मान लो घी दूध मक्खन फ्लेवर तैयार हो जाता है और वो केमिक, तो ये यहां पीछे से आपको ले चलेंगे वहां पर भी। अब आपको बता रहा है इसमें वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट, अगर मान लीजिए बाबा के पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है वो घी है, अंदाजा ना, अजम्पशन ऐसा करेंगे तो क्या होगा? बाबा का 10,000 करोड़ का घी जो है, अगर वो 20,000 करोड़ हो गया तो इसमें क्या होगा, कैसे लेवरेज क्रिएट होगा इस फैक्ट्री को? देखिए मक्खन को मेल्ट करते हैं, मेल्ट करके पूरे ऑटोमेटिक पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है लाइन। ये बाबा की जो फैक्ट्री वो अपने आप में, आप बताएंगे मुझे फैक्ट्री कॉस्ट क्या है और ये घी क्या है? सर ये जो बाबा का सेटअप है देखिए लगी हुई है इस लाइन के थ्रू, फिर वो नीचे यहाँ आप देख रहे हैं मेल्ट होकर के नीचे गिर रहा है। यहाँ आप स्वच्छता देख सकते हैं। अच्छा। ये सारा स्टेनलेस स्टील का पूरा प्लांट लगा हुआ है इसमें। रविश ग्राम भी वीडियो दिखाया जा रहा था कि आपको बताए, एक फील है कि यार एक ऐसे प्लांट होते हैं, ऐसे मशीनरी होती है, ये फिक्स कॉस्ट है, क्या हो रहा है इसमें? सर इसमें जो ये घी सर इसमें बन के आ रहा है मेल्ट होके, तो ये तो सेम ही रहेगा ना सर, मशीन वगैरह तो मशीन विल रिमेन सेम। तो जो सर मतलब घी चाहे 10,000 करोड़ का बन जाए, तो जो उस पे टाइम है सर जितना काम करना है, जो लेबर वगैरह उस पे काम कर रही है वो इंक्रीज होगा, तो उनकी वेजेस वगैरह इंक्रीज होगी सर, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगी पर मशीन की कॉस्ट विल रिमेन सेम। तो सेम, ये बात क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो अपने आप ही अपना कैलकुलेशन क्लियर है कि फैक्ट्री विल रिमेन सेम। अब देखना अब क्या करूंगा मैं, अब बताओ क्या क्या वेरिएबल कॉस्ट लिख दूं मैं यहाँ पे, आप बता दो वेरिएबल कॉस्ट। मान लीजिए बाबा का वेरिएबल कॉस्ट है 3,000 करोड़, हाँ जी बताए, अब क्या होगा इधर कॉन्ट्रीब्यूशन? ये होगा 7,000 करोड़, बराबर है, बिल्कुल सही है। अब बताओ आगे क्या होगा? फिक्स्ड कॉस्ट पिछले एग्जांपल में मैंने जीरो रखा था, पर बाबा के एग्जांपल में जीरो नहीं हो सकता, इतनी फैक्ट्री लगी प्लांट, आई कैन नॉट से बाबा के प्लांट मशीनरी जीरो, ऐसा थोड़ी ना होगा। मान लीजिए वो फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 2,000 करोड़ की, तो बताइए मुझे क्या बोलना है? ये है उनका EBIT। अब बताएंगे अगर मान लीजिए बाबा सेल करते 20,000 करोड़ का घी, उस समय वेरिएबल कॉस्ट में सर रविश मतलब प्रोपोर्शनली बढ़ जाएगा, दो गुना हो जाएगा, कैन आई राइट हियर 6,000? एवरीवन टेल मी व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? 14,000 फिक्स्ड कॉस्ट, नाउ इट विल रिमेन सेम, बाबा की फैक्ट्री विल रिमेन सेम। अब तुम घी साला पहले 8 घंटे का काम चल रहा था, अब वो मशीन 24 घंटे भी चलेंगे तो क्या डबल, मतलब उसका क्या हो जाएगा? मशीन की कॉस्ट ऑलरेडी लग चुकी है, तो मैं 2,000 करोड़ लिख देता हूं यहां पे, अब मुझे बताओ उसके बाद में क्या होगा? राइट अब यहां पे शुरू हो रहा है हमारे डॉल की दास्तां। अब कुछ लोगों को समझ गए डॉल कैसे आ रही है यहां पे, बताओ क्या हो रहा है, क्या बदलाव देखा आपने इस प्रीवियस एग्जांपल में और इसमें? सर इसमें ये जो प्रीवियस एग्जांपल हमने जो डिस्कस किया था, यहां पे तो फिक्स्ड कॉस्ट में क्या था और यहां पे क्या हो रहा है? यहाँ तो सर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो थी, जीरो थी, तो लेवरेज सेम था, मतलब लेवरेज मतलब जितना सेल्स बढ़ रहा था उतना ही ईबीआईटी बढ़ रहा था, यहाँ पे कहानी कुछ अलग हो गई। बोलो अब क्या हो रहा है, जल्दी से, कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ पे कितने परसेंटेज से सेल बढ़ रहा है? 10,000 का और 10,000 बढ़ गया, मतलब यहाँ पे 100% की ग्रोथ देखी गई है,
और एट द सेम टाइम हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारे प्रॉफिट में कितनी ग्रोथ हुई है. नाउ दिस इज नॉट 100%, कम ऑन एवरीबॉडी, इट इज मोर देन 100%. आपको जवाब देना होगा कितना बड़ा है ये. कम ऑन, अभी कैसे निकाला आपने 140? मैं उसको देखता हूं, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, उसको कैसा निकाला आपने, कितना चेंज हुआ भाई, और पहले कितना था, तो कितना चेंज हुआ ये 140%. तो अगर मैं डॉल का फॉर्मूला बोलूंगा तो कुछ लोगों को याद होगा अभी तक, परसेंटेज चेंज इन, मतलब कितना मेरा प्रॉफिट बढ़ा, कितने सेल बढ़ने पे, बताएंगे क्या हो रहा है. इस चैप्टर में प्राइमरली सिर्फ दो ही कॉन्सेप्ट है, एक डॉल है और एक डीएफएल आएगा. कॉम्बिनेशन दोनों को मल्टीप्लाई करते, डॉल और डीएफएल को मल्टीप्लाई किया ना तो आपका कंबाइंड निकल जाता है. मतलब दो ही कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है ना. ये समझ गया, मतलब आधा चैप्टर समझ गया, समझ में आ रहा है. मतलब इतना सीधा चैप्टर है डायरेक्ट आपको. वो भी मैंने क्यों पतंजलि का एग्जांपल लिया, ताकि आपको रियल लाइफ से कनेक्ट करो. ये सिर्फ की कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ लोग उसको बाकायदा अपने जीवन में यूज करके प्रॉफिट कमा रहे हैं, इतना लेवरेज क्रिएट करके. समझ आ रहा है. अब बताओ बाबा रामदेव और सेल्स बढ़ाएंगे, और सेल्स बढ़ाएंगे या कम करेंगे? जितना बाबा रामदेव का सेल बढ़ जाएगा, सपोज ये फिगर अगर मैं 20,000 से करके अगर मैं 1,00,000 करोड़ कर दूं, तो बाबा को लेवरेज ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? अभी इस समय देखते हैं परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना हुआ है, बोल दो भाई. और हमारा परसेंटेज चेंज इन सेल कितना हुआ है, 100 हुआ है. आपको जवाब देना क्या हुआ, 1.4. आपसे मेरा सिर्फ सीधा सवाल है, कौन मुझे समझाएगा आज का पहला मूवी टिकट क्वेश्चन आपको, ये रहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.4 times. कौन जवाब मुझे समझाएगा, कौन, 1.4 times का मतलब क्या हो रहा है इस वक्त? हां जी, कहां से कौन जवाब देगा, किसने कल जवाब नहीं दिया था, ऐसा कोई है कल जवाब नहीं दिया था आपने? बेटा आप जवाब देंगे, माई दीजिए इनके पास में प्लीज. हां जी, नहीं माइक आवाज चालू नहीं हो रहा, दोनों ऑन कर देना. हां जी बोल. अगर हम लोग, क्या नाम है आपका? रजत. कहाँ से हैं रजत? I'm from Hyderabad, sir. रजत from Hyderabad. बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में. Thank you, sir. बताइए क्या बोलना चाहते हो? Sir, if we increase sale by one time, then the if we increase sale only by one time, yeah, then we can get our EBIT by 1.4 times. Then we can increase EBIT by 1.4 times. Everybody, क्या इसका ये मतलब अगर मैं कहना चाहूँगा शब्दों में, एक गुना अगर मेरा सेल बढ़ जाए, अरे बोलो कम ऑन यार, एक गुना मेरा सेल बढ़ जाए तो मेरा प्रॉफिट 1.4 टाइम्स बढ़ जाता है. समझ गए आप? वैसे जिस जगह पे फिक्स्ड कॉस्ट जीरो थी, मिस्टर हैदराबाद, नाउ टेल मी व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट वाज जीरो, दैट टाइम व्हाट हैज हैपेंड व्हेन द फिक्स्ड कॉस्ट वाज जीरो, जीरो इन द प्रीवियस एग्जांपल, या हियर, देन वी कुडंट सी एनी चेंज इन द ईबीआईटी, दैट वी कुडंट सी बिकॉज़ देयर वाज ओनली वन टाइम ग्रोथ इन द सेल. Yeah, and EBIT also was EBIT was also increased by one time. There was no leverage. This time you're getting leverage. But this time Patanjali will be more, you know, more motivated for selling more, or they will be not motivating for selling more. They would be motivated. More motivating. अगर वो जितना ज़्यादा सेल करेंगे, उनका प्रॉफिट उतना गुना बढ़ता जाएगा. Do you understand this, everybody? ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, Mr. Hyderabad? Yes. I'm so happy. आपने बहुत अच्छे से जवाब दिया. दिस इज वन मोर फॉर्मूला फॉर दिस, प्लीज कॉन्सेंट्रेट नाउ. आपके पास में ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया? देखो फॉर्मूला रटने का नहीं, फॉर्मूला डिराइव किया है हमने. यू आर अंडरस्टैंडिंग क्या चल रहा है? अरे बोलो ना क्या चल रहा है, समझो क्या. उसके नीचे मैंने कुछ लिखा है, इन अदर वर्ड्स वी आर मेजरिंग द इम्पैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. क्या आपको बात समझ में आ रही है? अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती तो कुछ होता ही नहीं. इसका मतलब वी आर ट्राइंग टू मेजर द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट. एबल टू अंडरस्टैंड दिस? चलो थैंक यू सो मच. आप जीते मूवी टिकट. मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं. आइए दोस्तों एक वीडियो देखते हैं. आपने कभी ये देखा है? मैं आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं जिसका नाम है
Samuel, I need to ask you some questions. Don't ask. Hi friends and welcome to my channel. इंडिगो एयरलाइंस के फाउंडर राहुल भाटिया की वजह से जो इंडिया के 20वें सबसे रिचेस्ट पर्सन है. द ओनर ऑफ इंडिगो मिस्टर राहुल भाटिया. और यू विल बी वेरी सरप्राइज टू नो दिस इज द ओनली एयरलाइन इन इंडिया हु इज मेकिंग प्रॉफिट. रेस्ट एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम लॉसेस एंड दिस पर्सन नोज फाइनेंशियल मैनेजमेंट वेरी वेल. इसलिए मैंने उसका एग्जाम्पल लिया. आई हैव नॉट टेकन द एग्जाम्पल ऑफ जेट. I have not taken an example of spice jet. मैंने किसी का example, Indigo is the only one, मतलब जो consistently, देखो airline के धंधे में बहुत काटे की टक्कर है, वहाँ पे profit बनाना, आप मुझे बताओ, ये धंधे का example लेके, मैं आपको कुछ पूछने जा रहा हूँ. एक मिनट का वीडियो चलेगा, उसके बाद में मैं आपको कनेक्ट करा दूंगा हमारे थेरी से. हम क्या पढ़ रहे हैं? थेरी. पर थ्योरी पढ़ने से पहले हम उसको प्रैक्टिकल जग से कनेक्ट करना चाहिए. क्या एयरलाइन का और डॉल का क्या कनेक्शन? पहले पतंजलि आपने कनेक्ट किया, अब आपको मैं ले जा रहा हूं. उनकी यूनिक स्ट्रेटजीज के कारण ही आज इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी और एशिया की 8th सबसे लीडिंग एयरलाइंस बन चुकी है. तो चलिए देखते हैं उनकी अमेजिंग स्टोरी कि कैसे उन्होंने इतनी सक्सेसफुल कंपनी बनाई. राहुल भाटिया नैनीताल के रहने वाले हैं और 18th दिसंबर 1955 को उनका जन्म हुआ. वो बचपन से ही एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू कनाडा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कंप्लीट की. वो हमेशा से ऐसी चीज डिस्कवर करना चाहते थे जिससे नॉर्मल लोगों को ट्रैवलिंग करने में आसानी हो. इंडिया वापस आने के बाद वो एक टेलीकॉम कंपनी खोलना चाहते थे, बट गवर्नमेंट उस समय फॉरेन टेक्नोलॉजी के फेवर में नहीं थी. उस समय उनके फादर दिल्ली एक्सप्रेस नाम से एक एयरलाइन एजेंसी चलाते थे, जिसे उन्होंने 1964 में करीब 9 पार्टनर्स के साथ मिलकर बनाया था. फैमिली बिजनेस होने के बावजूद राहुल ने टीचिंग करियर चूज करने का सोचा, लेकिन उनके फादर की हेल्थ खराब होने की वजह से उन्होंने 1988 में एक इमोशनल डिसीजन लिया और फादर का बिजनेस ही ज्वाइन करना पड़ा. चलो, ये बहुत कुछ इसके बारे में और जानेंगे. आप मुझे बताओ, कोई भी अगर एयरलाइन का बिजनेस है तो वहाँ की फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा होती है या वहाँ की फिक्स्ड कॉस्ट कम होती है? ज़्यादा या कम? और बहुत ज़्यादा होती है. बहुत ज़्यादा होती है. यू आर बाइंग एयरक्राफ्ट, इट इज़ नॉट अ जोक, इट इज़ इन करोड़्स, मे बी हंड्रेड्स ऑफ करोड़्स. एंड यू आर गोइंग इन टू सच अ बिजनेस जहाँ पे आपको लोगों से 2,000 रुपये कलेक्ट करना है और मशीन लगाना है हजारों करोड़ों की. कोई एयरलाइन कंपनी एक एयरक्राफ्ट से नहीं चालू होती. यू हैव टू हैव अराउंड 50 एयरक्राफ्ट ताकि आप पूरी जगह पे अपना इंडिया कवर, एटलीस्ट इंडिया कवर कर सको. कई जगह आप देखते हो यहाँ पे ये फ्लाइट आती है, फ्रिक्वेंसी भी होती है, और स्पेशली मेट्रोज कनेक्ट करने के लिए आपके पास में बहुत सारी एयरक्राफ्ट होना जरूरी है. ऐसे समय पे आपके पास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, बहुत कम, मतलब फिक्स कॉस्ट उसकी कुछ ज्यादा ही है और जो उसका लगने वाला वेरी कॉस्ट उसके प्रमाण में इतना नहीं है, क्योंकि उसको लगने वाला खर्चा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट ही होता है. और जो मान लीजिए वहाँ के जो एयर होस्टेस है और जो पायलट है, अगर इफ आई कंपेयर विद द फिक्स कॉस्ट, इट इज नेग्लिजिबल. समझ में आ रहा है? अब मुझे बताओ, ऐसे धंधे में सेल्स को बढ़ाना क्यों बेहद जरूरी है और ऐसे धंधे क्यों बर्बाद हो जाते हैं जब सेल्स कम हो जाता है? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इफ यू वांट टू रिकवर योर फिक्स्ड कॉस्ट, यू रियली हैव टू सेल वेरी हाई. इफ यू डू नॉट सेल वेरी हाई, आपकी वाट लग चुकी है, देन यू विल नॉट बी एबल टू सक्सेड इन द बिजनेस. समझ में आ रहा है? एयरक्राफ्ट एक ऐसा बिजनेस है जहां पे आप हाई लेवरेज उठा सकते हो बाय सेलिंग वेरी हाई. एयरक्राफ्ट के बिजनेस में इसलिए वो मरते हैं ज्यादा सेल करने लिए, बिकॉज उनकी फिक्स कॉस्ट. अरे एयरक्राफ्ट में अगर 40 पैसेंजर भी उड़ गए और वो 300 की पैसेंजर है तो 300 भी उड़ गए, बोलो ना, फिक्स कॉस्ट विल रिमेन सेम. इसीलिए तो इतने लुक्रेटिव ऑफर निकालते हैं. आपने कभी एयरलाइन बिजनेस को देखना? वो हमेशा ऐसे ऑफर निकालते ताकि आप एयरलाइन खरीद लो, एयर टिकट खरीद लो. देखो ना, अगर इस पीरियड से बाय किए ना, अगर आप मान लीजिए 3 महीने का टिकट अगर आप बाय करोगे, जैसे मान लो आपकी क्लास खत्म होने वाली 31 जनवरी को, अगर आप 1 फरवरी का टिकट आज निकालोगे ना, तो दिल्ली का टिकट आपको 2,500-3,000 में मिलेगा. लाइक दिस, मतलब उस रेंज में मिलेगा. अगर वो आप नजदीक नजदीक जाओगे तो वो 8,000-10,000 का भी पहुंच जाता है. समटाइम्स इट गोज बियॉन्ड 15,000.
पर ये क्या करते हैं स्टार्टिंग में, वो पैसा ज्यादा कलेक्ट करते बिकॉज वो जितना ज्यादा सेल करेंगे उतना उनको लेवरेज मिलेगा बिकॉज उनकी फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। तो आओ दोस्तों मैं आपको कुछ कहना चाहूंगा, इस बुक में जाके देखते हैं इन्होंने लेवरेज का और एक फॉर्मूला बताया है जिसका नाम है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन व्हाट। अब ये समझ नहीं आया ये दो दो फॉर्मूला क्यों चला रहे हैं। अब दो दो फॉर्मूला क्यों चला रहे हैं इसकी वजह है मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्लीज कॉन्सेंट्रेट ना ओके। अब एक बात जरा देखिए ध्यान से देखना, मैं आपको सब लिखवाऊंगा, बस 5 मिनट के अंदर मेरा कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, मैं आपसे सब लिखवा के लूंगा। अगर आपके इसमें दो कॉलम्स दिए हैं कि पहले इतना सेल था अब इतना सेल है तो आप कह सकते हो चेंज है। मैंने आपको बोला आज का मेरा जो वेट है वेट 88 kg है, तो बताओ कितना चेंज हुआ। आप बोले हम हो गया मालूम, अब ये बताओ पहले कितना था, बस ओनली 88 kg, अब बताओ मेरा लेवरेज। ऐसा नहीं होगा, वेन यू आर गेटिंग टू कॉलम्स यू कैन कंपेयर, उस समय पे आप पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। पर कभी कभी ICA मस्ती में होती है, दे डोंट गिव टू कंपेरिजन, वो बोलता है ये कॉलम है बता इसका लेवरेज क्या। हाउ नाउ आई एम एबल टू डिसाइड, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि इसमें चेंज ही नहीं तो मैं डिसाइड कैसे करूं इसमें लेवरेज कितना है। एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, ऐसे समय पे मान लीजिए अगर हमारे पास में कुछ ज्यादा नहीं सिर्फ इतना ही दिया हुआ है, यही इतना ही स्क्रीन है आपके पास में, और अब आपको कह दिया जाए फाइंड आउट डिग्री ऑफ ऑपरेशन लेवरेज, उसका उन्होंने फॉर्मूला बनाया है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। तो कैन यू प्लीज टेल मी कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT कितना होता है, जरा लीजिए कैलसी लीजिए अपने हाथों में, 7000 अपॉन 5000, द आंसर विल बी अगेन 1.4 times, जो इसके पहले ही हमने कैलकुलेट किया था 1.4 times। समझ में आ रहा है, मुझे बताओ ये आंसर भी कैसे सेम आ गया, कुछ नहीं किया ना, इधर भी तो वही है, इट इज नथिंग बट द इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो इंपैक्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट तो वैसे भी उधर भी 2000 इधर भी 2000 है, तो चाहे आप कंपैरिजन से निकाले हैं चाहे इससे निकाले इट इज गोना रिमेन सेम। इन दिस फॉर्मूला आल्सो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, जब मैं EBIT कर रहा हूं व्हाट आई एम चेकिंग, आई एम जस्ट चेकिंग द इंपैक्ट ऑफ, कौन सी चीज मिसिंग है सिर्फ दोनों में, एक में फिक्स्ड कॉस्ट के साथ में है एक में फिक्स्ड कॉस्ट के बगैर है, अल्टीमेटली आई एम चेकिंग द इंपैक्ट ऑफ व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है, तो ये क्यों बताया, देखो लेवरेज क्या है ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में एग्जामिनेशन में आपको पूछेंगे फाइंड आउट DOL। तो इफ देर आर टू कॉलम्स तो आपको परसेंटेज ऑफ चेंज वो निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर उन्होंने सिर्फ एक ही कॉलम दिया है तो उसके में ऑप्शन ही नहीं, यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, दैट्स इट, और खत्म हो गया। एक बार दोनों फॉर्मूला देख लेते, हाँ जी बताओ, अब हमने लिखना चालू करेंगे, यस चलो कैन आई स्टार्ट नाउ एवरीवन, ओके लिखो, आपने हेडिंग देना है और लिखना है टाइप्स ऑफ लेवरेज, टाइप्स ऑफ लेवरेज है ना, नंबर वन DOL ब्रैकेट में डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, नंबर टू DFL डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, नंबर थ्री DCL डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, गॉट इट गाइस, या अब बताएंगे दोस्तों मुझे DOL के बारे में हम लोग पूछना चाहेंगे आपको। DOL के नीचे एक लाइन लिखिए फिर आपको मैं लिखवाने बोलूंगा, पर समझ के लिखना क्या लिखा है, टेकिंग एडवांटेज ऑफ, क्या लिखा है, ऑपरेशन ऑफ बिजनेस दैट इज व्हाट ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, क्या मैं इसको बोल सकता हूं वी आर टेकिंग द एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, यस और नो, मतलब जितना फिक्स्ड कॉस्ट जिस धंधे में ज्यादा होगा उसका लेवरेज ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा होगा,
क्या कर दिया आपने? I'll repeat again. जितना ज्यादा फिक्स्ड कॉस्ट जिस धंधे में होगा उतना लेवरेज ज्यादा होगा या कम होगा? क्या कर दिया आपने? ज्यादा होगा, लेवरेज ज्यादा होगा क्या कम होगा? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं, अब एक लाइन लिख दो सिर्फ। अब क्या करना है हमें, ये तीनों आपने लिख दिया, अब नीचे हेडिंग दे दो अपना डॉल। अब मैं डॉल के ऊपर विस्तार करूंगा, पहले लिख दो हेडिंग डॉल। अब तीन टाइप्स हो गए, अब नीचे हेडिंग देना डॉल और डॉल के ऊपर चल लिखो टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। फिर मैं आपको समझाता हूं ज्यादा होगा कम होगा। हेडिंग दो डॉल और लिखो टेकिंग एडवांटेज ऑफ, किसका एडवांटेज लेंगे हम लोग? एडवांटेज ऑफ, कम ऑन, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, क्लियर? या लिखो, लिखेंगे फॉर्मूलाज आर। अब बगैर देखे आप बताएंगे मुझे कौन से फॉर्मूलाज है? दो देखने की जरूरत नहीं, ऐसे बताओ। अगर वहां पे दो कॉलम्स होंगे तो आपके इसमें एक ऑप्शन है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल, मतलब कितने प्रमाण में ईबीआईटी बढ़ता है, कितने प्रमाण में सेल बढ़ने की वजह से। देखेंगे प्लीज, यहां पे देख सकते अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। राइट, इसका मीनिंग बताओगे? फॉर्मूला ऐसा क्यों है, उसको कैसे पढ़ना चाहिए? हमने कोई मुझे बताएगा इसको पढ़ना कैसे चाहिए? क्या बोल रहा है ये? परसेंटेज चेंज नहीं बैठे, मतलब मीनिंग क्या है? माइक दो, माइक। हाँ जी, कौन बताएगा इसका आंसर? मिस्टर पंजाब आप बताओगे? बोलिए। जितनी सेल चेंज होगी उतनी ही हमारा प्रॉफिट चेंज होगा। उतनी उतनी क्यों बोल रहे हो तुम? जैसा अगर हमारा नहीं तो तुम वो तब की बात करो जब लेवरेज वन है। तुम शब्दों को वापस चेंज करो, इन केस ऑफ वन, बट इन केस ऑफ अगर। हाँ तो ऐसा बोलो, अभी ऐसा बोलो वन वगैरह कुछ नहीं, आप बोलो क्या बोलना चाहते हो? अगर हमारी सेल्स ज्यादा होगी उस अकॉर्डिंग हमारी ईबीआईटी प्रोपोर्शनेटली, नहीं सेमी वेरिएबल काइंड ऑफ। ना ना ना, थोड़ा सा और बताओ ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। हाँ बोलिए सर। कितने प्रतिशत से अपना प्रॉफिट बढ़ता है जब हमारा सेल बढ़ता है? मतलब कितने प्रतिशत सेल बढ़ने की वजह से कितने प्रतिशत हमारा ईबीआईटी, इसको क्या कहते हैं? डॉल। कितने प्रतिशत हमारा ईबीआईटी बढ़ जाता है, कितने प्रतिशत? समझ में आ रहा है? यानी कि मेरा सेल अगर एक रुपए से बढ़ जाता है, अगर मान लीजिए मेरा लेवरेज 1.4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताएंगे? अगर सेल एक से बढ़ी है तो एबीआईटी 1.4 से बढ़ेगा। बराबर है, एवरीबडी गॉट इट? ये इसका समझ गए ना, कैसे समझना है इसको बताएंगे आप मुझे? दूसरा फॉर्मूला क्या है लिखो, फॉर्मूला नंबर टू। एग्जामिनेशन में फॉर्मूला लिखते हैं और लिखकर सॉल्व करते हैं। मैं चाहे तो आपको फॉर्मूला रटवा के भी काम करवा सकता था, फिर मतलब क्या है आप क्लास में क्यों आए? घर पे ही कर लो, पहले समझेंगे फिर फॉर्मूला आएगा। ओके बताओ सेकेंड फॉर्मूला क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अच्छा, इस कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी को हम लोग कब इस्तेमाल कर सकते हैं स्पेशली? मतलब अगर आपको दो कॉलम दिए हैं क्या नहीं दिए हैं? बोलेंगे मिनट, दो कॉलम नहीं दिए, नहीं दिए, और एक ही दिया, तो आपको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला अभी भी है, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन वॉट। So please write down उसके नीचे, it is specially used when, वो contribution upon EBIT जो लिखा है ना, दूसरा वाला formula उसके नीचे, it is specially used when, if there's only, if there's only one column. ओके, इज इट ओके गाइस? कम ऑन, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दो एग्जांपल लेंगे। अब अपनी बात चल रही थी फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में,
राइट अब दो एग्जाम्पल लेंगे, आप एक एग्जाम्पल ऐसा लेंगे जिसकी फिक्स कॉस्ट बहुत कम है और दूसरा एग्जाम्पल लेंगे एयरलाइन का बिजनेस जिसमें फिक्स कॉस्ट बहुत ज्यादा है एवरीबॉडी, और फिर देखेंगे दोनों में से लेवरेज किसको ज्यादा मिलता है. या प्लीज कॉन्सेंट्रेट अभी. ये अलग अलग केस स्टडी है. केस स्टडी नंबर वन हम लोग लेंगे कोई भी ऐसा बिजनेस, जनरली जो सर्विस ओरिएंटेड बिजनेस होते हैं ना, जैसे सीए कोचिंग ले लो, आईटी कंपनी ले लो, ज़्यादा फिक्स कॉस्ट नहीं होती. क्या होता है, मेरे धंधे में फिक्स कॉस्ट कुछ है नहीं, मैं बोलता हूँ तो भी बिजनेस होता है, ज़्यादा कुछ नहीं लगता. पर अगर मैं कोई पतंजलि और किंग फिशर या इंडिगो की बात करता हूँ, ह्यूज फिक्स कॉस्ट. ओके, तो अभी मैं बात करता हूँ कोई तो सर्विस ऑनलाइन बिजनेस या कोई तो बात कर लेता, जैसे कि एग्जाम्पल आईटी कंपनी की बात कर लेता हूँ जिसमें फिक्स कॉस्ट ज्यादा होंगी या कम होंगी. 10,000 करोड़ का इनका सेल हुआ, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 करोड़ की, बोलो आगे 7,000 हमारा क्या आ गया, और फिक्स कॉस्ट मान लीजिए बहुत कम 1,000 करोड़. चलो आगे बोलो क्या है 6,000 करोड़, बराबर है. अब मैं दूसरा एग्जांपल ले लो एयरलाइन, इज दैट ओके. सेल उनका भी 10,000, वेरिएबल कॉस्ट उनकी भी सेम, बोलो आगे, और फिक्स्ड कॉस्ट इनकी 4,000 करोड़, और ये आ रहा है. अब दोनों का हम लोग निकालेंगे डॉल डॉल, बोलो भाई कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी फर्स्ट का कितना आएगा, 7,000 अपॉन 6,000, 1 point टाइम्स लिखो क्या, और यहां पे कितना लिखो. कुछ लोगों का आंसर समझ गया होगा, कौन समझाएगा किसको ज्यादा लेवरेज मिल रहा है, जिसकी ज्यादा है उसको ज्यादा सेल बढ़ाने पर ज्यादा फायदा हो सकता है. समझ में आ रहा है. यहां पे 2.33 का मीनिंग क्या है, अगर मान लीजिए एयरलाइन कंपनी ने बोलो ना 1 गुना सेल बढ़ाया, अरे बोलो ना, तो उनका ईबीआईटी उनका प्रॉफिट 2.33 टाइम्स बढ़ेगा. इसलिए ज्यादा सेल बढ़ाने को करेंगे, इसलिए पूरी कोशिश करते हैं ज्यादा सेल बढ़े और सेल बढ़े, हर साल सेल बढ़े. उनका जितना सेल बढ़ेगा बोलो ना, मान लो अगर मान लीजिए 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ सेल हो गया तो कितना होगा उनका प्रॉफिट. अरे अगर एयरलाइन का, अरे बोलो ना तुम लोग क्या देखा, कैल्सिलो देखते क्या, मेरे तमाशा देखने आया, कैल्सिलो जल्दी से आप बताओ, एयरलाइन अगर 10,000 करोड़ का 20,000 करोड़ सेल कर दे तो उनका क्या होगा. हाँ जी, नहीं तो अरे हाँ हाँ तो बताओ ना ईबीआईटी कितना आएगा उस केस में, 2.33 टाइम्स बढ़ेगा. सो एक गुना मतलब 10,000 अगर उनका बढ़ेगा तो कितने टाइम्स ईबीआईटी बढ़ेगा, तो ईबीआईटी को कितने बढ़ना चाहिए यहाँ पे, 2.33 टाइम्स बढ़ेगा ना ये, तो कितना मल्टीप्लाई करो इसको, 2 कितना आएगा 7,000. मतलब सेल्स कितने से बढ़ा, सेल 10,000 से कितना बढ़ा, 20,000, और इनका प्रॉफिट भी 3,000 से 6,000 होना चाहिए था, बराबर है ना. नहीं समझ रहे हो, अरे बोलो भाई, मतलब जब ये एक गुना बढ़ता है बोल दो भाई तो क्या होता है, तो ये भी एक गुना ही बढ़ना चाहिए था, वो एक गुना नहीं बढ़ेगा, इट विल इंक्रीज बाय 2.30. समझ में आया, जब पर इसका अगर 10,000 से बढ़ेगा तो आपको बताना ये कितने से बढ़ेगा, बोलो जल्दी से. तो अगर ये 1.16 बढ़ेगा मतलब ये 6,000 का कितना होगा, मतलब ये 6,000 + 1.16% करूंगा तो 6,069 होगा. मतलब आपको समझ नहीं रहा आप क्या कर रहे हो, मैं एक बार और समझाता हूं, एक बार और देखिए.
पहले तो सेल्स जितना बढ़ेगा ना, जैसे कि ये, अच्छा पहले एक एक कंक्लूजन करते फिर मैं लिख दूंगा आगे बढ़ता हूँ। अच्छा दोनों में क्या अपना जो डाउट था क्लियर हो गया क्या भाई? कौन से डाउट के लिए मैंने चालू किया था वैसे? कि फिक्स कॉस्ट जब ज्यादा होती है ज्यादा लेवरेज मिलेगा या कम लेवरेज मिलेगा? तो जिस कंपनी का ज्यादा फिक्स कॉस्ट है, मतलब एयरलाइन जैसे बिजनेस ने, पतंजलि जैसे बिजनेस ने, ज्यादा सेल करने के लिए मरना चाहिए। वो जितना सेल करेंगे उनका और फायदा होता रहेगा, बोलो भाई। मतलब और आईटी कंपनी को जितना फायदा नहीं होगा उतना ज्यादा फायदा पतंजलि और एयरलाइन को होगा। ये बात क्लियर है क्या? तो किसने ज्यादा सेल करने की और कोशिश और कोशिश और कोशिश कर, जिसका फिक्स कॉस्ट बहुत है? ये बात क्लियर है क्या? अब दूसरा सवाल ये है कि अगर मैंने इसका सेल अगर एक 100% से बढ़ा दिया और इसका भी सेल मैंने 100% से बढ़ाया, तो यहां पे कितना होगा ईबीआईटी? तो अगर मैंने इसको 10,000 कितना कर लिया, तो अब ये कितने परसेंट से बढ़ा? तो आपको वो हिसाब से अगर मान लो फिक्स कॉस्ट नहीं होती और लेवरेज 1 होता तो 6,000 कितना हो जाना चाहिए था? अरे बोलो ना भाई, ये 10,000 का अगर 20,000 हुआ है तो ये 6,000 का कितना हो जाना चाहिए था? 12,000 हो जाना चाहिए था। पर अब की बार वो है कितना? 1.16 टाइम्स है। तो वो क्या बोल रहा है? वो कितना बढ़ेगा? सिर्फ 6 का 12 होगा या उससे भी ज्यादा होगा? उससे ज्यादा कितना होगा? अगर मान लीजिए लेवरेज 1 होता तो ये क्या होता? ये भी 100% बढ़ता और ये भी 100% बढ़ता। पर अब की बार तो वो 1.16 है तो वो 12,000 से भी ऊपर जाएगा। तो कितना बढ़ेगा? 6069 होगा। मतलब ये इसको 6000 मिला दे तो हो जाएगा 12,069। समझ गया? अगर मैं आंकड़ों में लिखूंगा तो ये जो है, अगर लेवरेज 1 होता और अगर आपके पास लेवरेज 1 नहीं तो कितना हो जाएगा वो? 12,069। बराबर है? हाँ बता दो क्या, वापस से इंटरप्रेट करो। अगर मान लीजिए सेल 10,000 का 20,000 हो जाए तो उनका ईबीआईटी 6,000 से 12,000 नहीं होगा, 12,000 से थोड़ा ज्यादा होगा, बिकॉज उनका थोड़ा ज्यादा डीओएल है, 1.16 है। कुछ लोगों का कंफ्यूजन क्या होता पहले मालूम है? मैं जब 6069 बोल रहा था ना, उनको लगता है यहाँ पे 6069 से बढ़ेगा, तो पहले तो 6 था ही। अरे पहले तो बिकी रहा था ना 6,000, तो 6,000 प्लस 6069 बढ़ेगा ना, तो अब क्या 12,069। हाँ कुछ गलत किया क्या मैंने? हाँ कितना? 13,000 करो क्या? हाँ मैंने वो कुछ गलत किया था। हाँ ठीक है, 13,000 वही। अच्छा अभी चलो ये चीज बता दो मुझे जो इधर है, वापस से राइट कॉलम देखना एयरलाइन वाले में। अगर ये 10,000 का 20,000 हुआ तो बताओ क्या होगा? अगर ये 10,000 से 20,000 हुआ और अगर लेवरेज 1 ही होता तो ये 3,000 का 6,000 हो जाता। पर अब की बार वो कितना होगा? वो तो 2.33 टाइम्स लिख रहा है, तो बताओ कितना होगा? इट विल बी कितना? हाउ मच? 10,000 हो जाएगा पूरा मिला के। 3,000 का तो 6, अगर 1 लेवरेज होता ना बेटा 1, तो 3 और 3 वो 6 हो जाते। पर ये 2 है और 33 ऊपर भी है, तो 3 का 6 नहीं होके 3 का 10 होगा। तो यहां पे कितना होगा सेल? अब बताओ 10 कैसे निकाला आपने? 3,000 प्लस कितना किया आपने? 2. बराबर है? 3,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.33 तो आएगा 6,999 कुछ आएगा। प्लस ये कितना? इतना बढ़ेगा और पहले तो जो बिक रहा था वो तो बिकेगा ही। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ओके, मतलब ये जो है ना, ये नंबर आपको एग्जामिनेशन में वो सब नहीं लिखना, जो आपको सिर्फ इतना लिखना डॉल 1.16 टाइम से, डॉल 2.33 टाइम से, वो सब लिखना है। तो आपको इससे क्या समझता है? अगर मान लो मैं 1 रुपए की बात करूं, 10,000 वगैरह छोड़ दो, तो अगर ये चीज अगर 1 रुपए से बढ़ी तो क्या होगा? अगर एयरलाइन का बिजनेस 1 रुपए से बढ़ता है, बोलो ना, ईबीआईटी 2.33 रुपए से बढ़ता है। बराबर है? अगर यहाँ पे आईटी कंपनी का बिजनेस अगर 1 रुपए से बढ़ता है, बोलो ना आगे, तो ईबीआईटी 1.16 रुपए बढ़ जाता है। इज इट ओके? तो ये कितना बढ़ता है? तो इसलिए सेल बढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा ईबीआईटी बढ़ेगा। पर दोनों में से कंपैरिजन में किसका ज्यादा फायदा होगा? अगर मान लो ये 1 रुपए, मान लो ये 1 रुपए से बढ़ाएंगे और ये 1 रुपए से बढ़ाएंगे, तो किसको ज्यादा फायदा होगा?
तो ये एक रुपए से बढ़ाएंगे तो इसके एक रुपए 16 पैसे बढ़ेंगे, और ये एक रुपए से बढ़ाएंगे तो उसके 2 रुपए 33 पैसे बढ़ेंगे, बराबर। तो कौन ज्यादा सेल करने के लिए यहां पर ट्राई करेंगे? एयरलाइन, मतलब जिसकी फिक्स कॉस्ट ज्यादा है, ये कंक्लूजन है। फॉरगेट अबाउट 10,000, 1 रुपए का शायद से आपके दिमाग में ठीक बैठा, तो 1 रुपए के हिसाब से सोचो। इधर 1 रुपए का सेल बढ़ा देंगे तो बदले में यहां पे 1 रुपए 16 पैसे का ईबीआईटी बढ़ेगा, यहां पे 1 रुपए का सेल बढ़ाएंगे एयरलाइन कंपनी में, बोलो आगे, तो ईबीआईटी जो है वो 2.33 टाइम्स बढ़ेगा। इज इट ओके? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। या तो हम लोग लिखेंगे, या प्लीज राइट डाउन, हरिया। ये सब एज इट इज लिखना है आपको, है ना? हो गया? मेरा एक डाउट है, आप मुझे सॉल्व करके देना। जब मैं 1.16 टाइम्स कह रहा हूं तो मान लीजिए अगर मैंने सेल्स को 10,000 से और बढ़ा दिया तो मतलब कितना बढ़ा दिया मैंने? 100% बढ़ा दिया। तो ईबीआईटी मेरा 1.16 टाइम्स जो है वो 1.16 टाइम्स, मतलब मैं जो सवाल पूछ रहा हूं ऐसा क्यों नहीं है, वो 10,000 का मल्टीप्लाइड बाय 1.16 क्यों नहीं है? मतलब कि मेरा सवाल ध्यान से सुनना, जब मैं सेल्स को 10,000 से और बढ़ा देता हूं, है ना, तो ये कितना हो जाएगा यहां पे? कितने से बढ़ाए? कितने से बढ़ा? तो आप मुझे बताओ 1.16 टाइम्स मतलब 1.16 हमारा ईबीआईटी बढ़ना चाहिए, बराबर है? पर मेरा ये सवाल है, 1.16 टाइम्स जो है मतलब ये 6,000 प्लस 10,000 का 1.16, मेरा सवाल है ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? नहीं 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 नहीं, मेरा सवाल है आप समझे नहीं, इसके अंदर हमेशा हम लोग क्या करते हैं, 1.16 टाइम्स करते हैं, मतलब किसका 1.16 टाइम्स करते हैं? ईबीआईटी का 1.1, ईबीआईटी को 1.16 से मल्टीप्लाई करते हैं, ना कि सेल्स से करते हैं। ऐसा क्यों? 1.16 जो कर रहे हैं हम लोग, इसका आंसर जो है ये 11,600 से प्लस करके मैं 17,600 नहीं लिखता हूं, नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, मैं 6,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.16 करता हूं, तो मतलब मुझे वो आता है लगभग 7,000 के करीब, तो मतलब मैं इसका आंसर कितना लिखता हूं, 6,000 प्लस 7,000, समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं, और वो आता है कुछ 13,000 के करीब।
तो दोनों में से कौन सा आंसर सही है, 17,600 या 13,000? क्योंकि जब मैं पहले पढ़ा रहा था ना, कुछ लोगों को जब मैंने 1.16 टाइम्स पढ़ाया तो उन्होंने क्या किया, सेल्स को भी 100% से बढ़ाया, फिर मैंने कहा लेवरेज 1.16 होता है, तो उन्होंने क्या किया, वो सेल्स के 10,000 को 1.16 से मल्टीप्लाई किया, फिर वो हो गया 11,600, फिर वो 11,600 को ईबीआईटी में ऐड कर रहे हैं, समझा क्या? अब वो 11,600 को जब आप ईबीआईटी में ऐड करोगे तो 17,600 दिखेगा। अरे वो ईबीआईटी 1.16 टाइम बढ़ रहा है कि सेल्स बढ़ रहा है? सेल्स वन टाइम बढ़ा तो ईबीआईटी 1.6 टाइम्स बढ़ रहा है, मतलब ईबीआईटी का 1.16 बढ़ रहा है ना, अंडरस्टैंड करो, 1.16 सेल्स बढ़ रहा है ऐसा नहीं है, सेल्स अगर एक बढ़ रहा है तो ईबीआईटी के अंदर 1.16 बढ़ेगा, ईबीआईटी के प्लस, ये करना बिल्कुल सही नहीं है ऊपर वाला, मतलब आप ईबीआईटी के अंदर ही ईबीआईटी का 1.6 बढ़ेगा, समझा के कौन सा केस सही है? नहीं चलो, मतलब ये क्यों मैंने बताया, कहीं गड़बड़ में आप एग्जामिनेशन में ये मत करते, 1.16 सेल को ऐड मत करते, आप गलती से ये कर सकते हो, ये मत करना, जो बढ़ रहा है वही बढ़ाना ना, ऊपर सेल बढ़ा दिया, अब सेल की फिगर्स को छोड़ देना, अभी ईबीआईटी का 1.16 कितना है, 7,000, पहले कितना था 6,000, तो 6 और 7,000 कितना हो गया, 13,000 हो गए, बराबर है आपको मेरा, आपने डाउट आने से पहले मैंने बोला ये सब मत करना, गड़बड़ में मत कर देना ऐसे कुछ, ठीक है ना, एवरीबॉडी अंडरस्टूड? अब मुझे बता दो अभी तक जो समझा हमने, जस्ट प्लीज रिकॉल क्या हमने समझा, देयर आर 3 types ऑफ लेवरेजेस, नंबर 1 ऑपरेटिंग लेवरेज, नंबर 2 एंड नंबर 3 आपको जवाब देना है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या होता है, टेकिंग व्हाट एडवांटेजेस ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, जिस कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है, जैसे कि एयरलाइन, जैसे कि पतंजलि, जिनकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होगी उनकी लेवरेज देखा आपने, और ज्यादा लेवरेज होगी इसका मतलब यह होगा, 2.33 का मतलब क्या होगा, वो एक टाइम अपना सेल बढ़ाएंगे, आगे बोलो, EBIT 2.33 बढ़ेगा, और जहां तक कि आईटी कंपनी का सवाल है वो 1.16 से, मतलब अगर वो आप एक टाइम सेल बढ़ेंगे, आगे बोलो, तो इसलिए कौन सी कंपनी ज्यादा सेल करने लिए मरेगी, तड़पेगी, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा पैसा उसमें लगाया है। एबल टू अंडरस्टैंड? अगर बताओ जिस कंपनी में फिक्स कॉस्ट 0 होता है भाई और बहनों, उस कंपनी में लेवरेज है ना। नाउ लिखो अबे, लेट अस सी द कंडीशन वेयर, उसके नीचे लेट अस, नाउ लेट अस सी, लेट अस सी द कंडीशन वेयर there is no operating leverage company cannot take advantage of company cannot take the advantage of operating leverage ये पहले दो कॉलम आपको याद आ रहे हैं, बताइए सर क्या क्या होता है, बोलो। ये सब कुछ मैंने आपको पढ़ा दिया, पर मैं चाहता हूं आप लिखिए अपने नोटबुक पे, बिकॉज रिविजन तो आपको करना है ना, मेरे पढ़ाने के बाद में आपको याद कैसे रहेगा, अभी जिंदगी भर याद रखना है, एग्जाम से याद रखना, तो आपके किताब में बुक में लिखा होना जरूरी है। आप मुझे बताओ याद करो मैंने क्या लिखा था इसमें, ये वो फर्स्ट चीज थी जो मैंने आपको ऑपरेटिंग लिवरेज में समझा, क्या हुआ था इसमें, यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो गई थी, उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा ईबीआईटी यहाँ पे 700 है और यहाँ पे क्या हुआ, ये 2000 था, तो वेरिएबल कॉस्ट तो बढ़ गया था, बिकॉज वेरिएबल तो वेरिएबल होता है, पर फिक्स्ड कॉस्ट तो इधर है ही नहीं। अब मुझे बताओ यहाँ पे ईबीआईटी 1400 है, कौन मुझे समझाएगा यहाँ पे हो क्या रहा, अब बेटा खड़े हो जाएंगे आप जवाब देंगे, प्लीज माइक दीजिए इनके पास में, बोल बेटा, जिस प्रपोर्शन, माइक ऑन करना, जिस प्रपोर्शन में
सेल बढ़ रहा है, बोलो हाँ सर, जिस प्रोपोर्शन में सेल्स बढ़ बेटा यहाँ पे 1000 से 2000 हुआ, मतलब सारे बच्चे बताएंगे कितने परसेंटेज सेल बढ़ा है? 100% 100% बढ़ा है, हाँ जी। और ईबीआईटी कितने परसेंटेज से बढ़ा है? 100% से ही ईबीआईटी बढ़ा। क्यों ऐसा हुआ? पिछले क्वेश्चन में 1.16 आया था, उसके बाजू में 2.33 आया था, यहाँ पे वो 1 क्यों आया? सर बिकॉज़ यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है। मतलब यहाँ पे चाहे वो जितना भी सेल बढ़ा ले, ईबीआईटी सर ईबीआईटी इक्वल रहेगा सेल, ईबीआईटी उसी उसी प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन में बढ़ेगा। एबल टू अंडरस्टैंड? ये वो धंधा है जहां पे जितना भी सेल बढ़ेगा ईबीआईटी अल्टीमेटली उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा, बिकॉज यहाँ की फिक्स्ड कॉस्ट जीरो। एबल टू अंडरस्टैंड दिस? या तो ये कौन सी कंपनीज हो जाएगी जनरली, जैसे कोई बीपीओ की भी, साला कुछ चक्कर ही नहीं, नो फिक्स्ड कॉस्ट। बीपीओ का होता है ऐसे, बीपीओ में करते क्या, रेंटेड जगह, लेबर भी वेरिएबल कॉस्ट, रेंट वेरिएबल कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी वेरिएबल, इंटरनेट वेरिएबल, काम ही खत्म, फिक्स्ड कॉस्ट की जरूरत ही नहीं है, समझ गए? वहां पे ये होता है। तो इनको डिग्री ऑफ ऑपरेशनल लेवरेज क्या बोलेंगे इनके? अच्छा बताओ, ये लोग ज्यादा सेल करने के लिए क्यों नहीं मरेंगे? माइक में बताओ सर। फिक्स्ड कॉस्ट तो है नहीं, तो सर बेनिफिट नहीं मिलेगा कुछ। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि ऐसा बहुत सेल जितना हुआ ऐसा मतलब कि मरमर नहीं रहेंगी, सेल होना ही चाहिए, होना ही चाहिए ऐसा, क्योंकि सर कुछ रिकवर होगा तो अच्छी बात है। ऐसा नहीं कि कोई सेल करने को मना करेगा, पर ऐसा नहीं कि वो जो चाहत होती है ना होना ही चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसी वाली कंडीशन नहीं है, बिकॉज इनका कुछ अटका हुआ नहीं। हम ये नहीं दावा कर रहे कि ये लोग सेल करने के लिए मरेंगे नहीं, पर वो जो एक्साइटमेंट और तड़प होती है ना सेल करने की, क्यों होना ही चाहिए, नहीं तो बर्बाद हो जाए। बर्बाद क्या है, कल्चर के जाएगा क्या, वेरिएबल तो है, जिस दिन बंद होगा जाने के लिए कुछ है नहीं। एबल टू अंडरस्टैंड? तो समझ जा, जिसका लेवरेज कम है, और जिसका लेवरेज कम है उसकी रिस्क भी कम है, समझे? जिसकी लेवरेज कम है उसका रिस्क भी क्यों कम है, बता ना। हाँ जी, क्या बोलना चाहते हैं? क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट बहुत कम होगी इसलिए। तो क्या होगा यहाँ पे, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं और कल्चर किसका बिजनेस बंद हो गया तो खोने के लिए सोचना। एयरलाइन का बिजनेस चालू किया था और वो अचानक बंद होने लगा, और इस बंदे ने बिजनेस चालू किया था अचानक बंद होने लगा, तो किसको ज्यादा नुकसान? एयरलाइन वाले को ज्यादा है, वो उसने कितना लगा के रखा है उसका लेवरेज। इसीलिए कभी भी आप किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ोगे ना बेटा, उसमें पहले उसका लेवरेज देख लिए, अगर उसका लेवरेज ज्यादा है तो ये भी समझ लेना उसमें रिस्क भी उतनी ज्यादा है। मतलब समझे, कभी भी आप किसी के फाइन, अभी कल मैं आपको moneycontrol.com दिखाया, उसमें वहां पे लिखे थे इनका लेवरेज इतना है, पर आप तब तक तो हम ये बता दो लेवरेज को पढ़े कैसे, वो बोल रहा लेवरेज 3 है, आप बोले है, वो बोल रहा इसका लेवरेज 1 है, तो है, व्हाट डिफरेंस इट मेक्स टू अस, लेवरेज है तो है। आज समझेगा बेटा, जिसका लेवरेज ज्यादा है मतलब वो उतनी रिस्क लेकर भी चल रहा है, उसने उतना डेट उठाया है नहीं, उतने उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा है। मतलब ये समझ जाना, जिस धंधे के अंदर लेवरेज ज्यादा होता है उसके दो परिणाम होते हैं, एक रिस्क ज्यादा, दो उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा। बिकॉज व्हेन यू रीड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी, वहां पर ये मनी कंट्रोल में जाएंगे, हम आपको वो दिखाएंगे लेवरेज लिखा होता है, लेवरेज। कभी कभी कंपनी अपने वो जो मीटिंग के पहले होते ना, हमारी कंपनी का लेवरेज इतना है, अभी लोगों को क्या समझेगा लेवरेज को पढ़ना कैसे, आज हमको पहली बार समझ रहे हैं। मतलब दो वी हैव मेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आज चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट होने के बावजूद आज हमें समझ अच्छा लेवरेज को ऐसा मतलब निकलता है। तो अगर मान लीजिए आपको कल चके इन्वेस्टमेंट करना है किसी कंपनी में, एंड यू आर हैविंग लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो बोलेंगे लेवरेज ये इतना, 2 है इसका, 3 है इसका, 1 है इसका, 4 है। फिर आपको पापा से पूछना, पापा अपने को रिस्क टेकिंग कंपनी में करना है या रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए? वो बोलेंगे बेटे की बेटा है, इस उम्र में अब रिस्क लेने की कोई इच्छा नहीं है, छोड़ दे। उस केस में आपको देखना है ऐसी कंपनी में आना है जहां का लेवरेज टुवर्ड्स 1 है, 1 है या 1 के आसपास है, हाँ मतलब जो भी, एक तो कभी 1 भी हो सकता है ऐसी कंपनी में, यहां पे तो 1 ही है ना। तो हमने लेवरेज के दो परिणाम निकाले, जिसका लेवरेज ज्यादा मतलब उसकी फिक्स्ड कॉस्ट ही ज्यादा होगी, और दूसरी बात उसकी रिस्क भी ज्यादा लेकर चल रहा है, बिकॉज इतनी फिक्स्ड कॉस्ट का पैसा वसूल भी तो करना है। जैसे एग्जाम्पल एयरलाइन, इसीलिए तो एयरलाइन कंपनी घाटे में है दोस्तों, अब समझे आप, इसीलिए तो माल्या को लेवरेज चैप्टर ही समझा नहीं, हावला है वो, बताओ क्यों नहीं समझा? उनको यही समझा नहीं कि ये फिक्स्ड कॉस्ट निकालना भी, काश विजय माल्या मेरे पास में आते हैं,
मैं उनको इस धंधे में आने से पहले समझाता, देख बाकी कंपनी के लेवरेज पहले चेक कर, इंडिगो का लेवरेज चेक कर, सबके लेवरेज चेक कर, फिर लगता है अगर लेवरेज बहुत ज्यादा है, अगर 5-6 टाइम्स का लेवरेज वहां पे है तो क्यों मरने जा रहा है उधर? पर हमारी सुनता कौन है? विजू को कई बार हमने कहा, विजू ऐसे धंधे में चले गए जहां पे लेवरेज है। आई होप यू अंडरस्टैंड, प्लीज राइट ऑन दिस। ये आपको लिखना है, उसके ठीक नीचे आपको मैंने दो लाइन लिखवाई थी, हाँ कुछ लिखवाया था ना मैंने, उसके नीचे कि जहां पे देयर इज नो, ये लिख दिया ना आपने, सबका लिखना हो गया। किसी का बाकी है? हाँ चलो लिखो फिर, एक मिनट का टाइम है, लिख लो। आपको मैं कुछ लिखवाने जा रहा हूं, राइट? लिखो, फॉर्मूला लगाओ, लिखो ना पे डॉल, इसके नीचे डॉल लिखा आपने, निकालो डॉल इसका, और लिखो परसेंटेज चेंज इन व्हाट। अरे बोलो ना, फॉर्मूला याद होना चाहिए यार, ए परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन, ए परसेंटेज चेंज इन अपॉन परसेंटेज चेंज इन, लिखा आपने। अब बताओ कितने परसेंट से बढ़ा है बच्चों सेल हमारा? अरे बोलते क्यों नहीं, और ईबीआईटी भी 100% से ही बढ़ा है, तो 100/100 इज इक्वल टू क्या रे? अगर मैं उस फॉर्मूला से निकालू तभी भी उतना ही आएगा क्या? चलो यूज द सेकेंड नंबर फॉर्मूला हियर इन द सेम केस, दूसरा फॉर्मूला लिखा जाए। आपने पहला फॉर्मूला लिखा क्या, कितना है उसका आंसर? दूसरा फॉर्मूला क्या है? अब चलो देखते हैं फॉर्मूला नंबर टू यूज करके भी वही आंसर आता क्या। देखो फिर लिखो फॉर्मूला नंबर टू, क्या है रे फॉर्मूला नंबर टू? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। और ये फॉर्मूला याद करना वैसे आसान है बहुत, ऊपर जो है पहले लिखना है, जो नीचे बाद में लिखना है। कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर है ऊपर आएगा, ईबीआईटी नीचे है तो नीचे आएगा। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, तो बताएंगे कितना अपॉन कितना होगा ये? 700/700 is equal to again, let it be any formula, answer has to be same, depend, आप कोई भी formula use करो, ऐसा नहीं कि यही choose करो, पर अब मान लो कि single column है ना, तो आपके इसमें option ही नहीं बचता, double column में तभी option है, अगर double column में दोनों formula use कर सकते, पर अगर एक column दिया ना, तो मतलब आपको compulsory वो एक ही use करते आएगा, बराबर है क्या? अब आपको concept भी समझ गया, आपको formula भी समझ गए, अब लिखना पड़ेगा, लिखो, what is the impact of high leverage? What is the impact of high leverage? अगर किसी कंपनी में high leverage होगा तो हम क्या मानेंगे वो क्या है? What is the impact of high leverage? Companies, high leverage companies like airline. समझे आप क्या example दे रहे? हाँ बताओ क्या? Answer क्या है इसका बताओ? Means? Means more fixed cost as well as, look, means more fixed cost, means more fixed cost as well as, bol do, means more fixed cost as well as, more risk or less risk? More risk. Risk kis sense mein? आईटी कंपनीज बीपीओ की रिस्क कम क्यों है? अटका हुआ नहीं साला कल्चर के
बंद ही हो गया साला तो क्या उखड़ जाएगा, यहाँ एयरलाइन का धंधा बंद हुआ तो डूबेंगे मरेंगे, इसीलिए बीपी वाले कभी दिवाला नहीं निकलता, दिवाला निकलता है एयरलाइन की बिजनेस का, समझ में आ रहा है? और उसका दिवाला के कारण ही हुई था, मतलब किंग फिशर का केस स्टडी आपके दिमाग में रख लो, ये समझो इसको, ये लेवरेज हाई लेवरेज कंपनी थी, उसको समझा ही नहीं, काश वो सेल ज्यादा कर लेता। और उसके एग्जांपल में हमने पढ़ा था, आपको याद है, यू रिमेंबर द वीडियो, उसमें क्या बोल रहा था मालूम क्या हो, कि उन्होंने पहले तो हाई प्रीमियम चालू किया, फिर लो कॉस्ट चालू करा, लोग भी पहले जो लोगों को भी कंफ्यूजन हो गया, अब मतलब तुमने पहले भारी क्वालिटी दी प्रीमियम, ऐसा मस्त माहौल, एयर होस्टेस पूरा, अब बाद में उन्होंने एकदम छपरी काम चालू किया एकदम लो, अभी लोगों का एक्सपेक्टेशन, एक तो पहले तुमने मस्त माहौल करके लोगों को नहीं गया, फिर लोगों को आदत लग गई माहौल वाली चीज, अब लोगों को माहौल दिख रहा नहीं, तो जो तो पीपल गॉट डिससैटिस्फाइड, तो जो लोग थोड़े बहुत भी उनके पास जा रहे थे वो भी बंद हो गए, तो धंधा अल्टीमेटली कम हुआ, मतलब क्या कम हुआ, और सेल इतना कम हो गया और लेवरेज इतना ज्यादा है, आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, एक क्वेश्चन करेंगे, आपके बुक्स है इधर आइए मेरे पास, मैं आपको ले जा रहा हूँ। लिखो क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, कम ऑन एवरीबॉडी नाउ, और पेज नंबर लिखो 3.6, क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 3.6, सर 3.6 किसका पेज नंबर है? आपने वॉल्यूम वन कलेक्ट करी ऑफिस से? कलेक्ट कर लेना आज, ठीक है ना, दे देंगे, रेडी है, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है ना, पर अभी उल्टा भी करना है, जितने पेज लिखे उसके ऊपर भी पेज नंबर चालू करो, पेज नंबर 1, 2, 3, अब ये उल्टा उधर भी जाएगा, किधर जाएगा ये पेज नंबर? हाँ उसमें जाएगा, इसका पेज नंबर इसमें जाएगा, उसका पेज नंबर, ठीक है, ये आदत डाल लो अब, ठीक है ना, ओके। और स्टार्टिंग में एक पेज छोड़ा है कि पहले पेज से चालू कर दिया? एक पेज भगवान के लिए छोड़ते हैं ना, बता बेटा क्या किया आपने, देखा नहीं, दे दे बेटा, दे दे बेटा, कम से कम भगवान के लिए तो छोड़ता है, थोड़ा एक पेज छोड़ता मैं वहां पे इंडेक्स बनाता ना बेटा, पीछे से बना देगा, वेरी गुड बेटा, मतलब हाथ है, मतलब कोई बात नहीं, मैं पीछे बना दूंगा, कोई बात नहीं बेटा, जैसे आपकी श्रद्धा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर वन चेक करेंगे, देखते हैं डॉल आपको दिखा, जितना आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, देखते हैं उस कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर ये आ गया तो मतलब आपको डॉल समझ में आ रहा है। एवरीबॉडी कम ऑन, वेलकम बैक, कम ऑन, एक्स लिमिटेड हैज एस्टिमेटेड दैट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट इट्स अ ब्रेक इवन पॉइंट इज 20,000 यूनिट्स इफ द आइटम इज सोल्ड एट 14 पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज 9 पर यूनिट। सर ये ब्रेक इवन होता है मतलब, सुनो ना मुझे एक बार बोलो, फिर आप बोलो, 20,000 यूनिट बेचेंगे तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, 20,000 यूनिट बेचेंगे 14 रुपए से, कितना है लोरे कैल्सी हाथ में, कैल्सी सभी के पास होना चाहिए, आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने, कैल्सी कहाँ है बेटा तुम्हारा, और तुम्हारा लाया नहीं बेटा, वाह कहाँ है कैल्सी है क्या, इधर कैल्सी चिंटी, हाँ इधर अम्मा, हाँ चलो कैल्सी सभी के हाथ में, लो 20,000 है क्या, मल्टीप्लाई करो, कितने रुपए में बिक रहा है माला अपना, 14,000, कितने रुपए आ रहे हैं इसके, 280,000 का माल बिक गया, और क्या बोल रहा है वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, अब 9, अब 280,000 दिमाग में है, 9 रुपए का उसका वेरिएबल कॉस्ट है, तो 9 × 20,000 कितने का खर्चा हुआ अपना, तो मतलब क्या हो, 280 आए, 180 तो गए, 1,00,000 बचा है, और 1,00,000 बचा फिर भी बोल रहे हैं, एक सही बोल रहे हैं, देखो भाई 280 का माल बिक गया, 180 का वेरिएबल कॉस्ट हुआ, अब बचे कितने, फिर वो बोल रहा है 20,000 बेच के भी हमारे को 0 प्रॉफिट है, 1,00,000 तो प्रॉफिट हुआ ना,
अरे सर इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट पूरा 1 लाख रुपए का जीरो बचे, तो मतलब क्या होता है इन्होंने इनकी हरकत आप जाने कमी ना बंदे का आपने, उन्होंने फिक्स्ड कॉस्ट दिया नहीं था, मतलब हमें वो किया उकसाया कि तुम फिक्स्ड कॉस्ट निकालो, अब जो निकालना था निकल गई। अब डिड यू अंडरस्टैंड फिक्स्ड कॉस्ट कितनी फिक्स्ड कॉस्ट है, रिमेंबर फिक्स्ड कॉस्ट, एंड फिक्स्ड कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सेल, इज इट ओके? व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, व्हाट इज द फिक्स्ड कॉस्ट, आगे लिखना नहीं सब लिखेंगे साथ में, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर सेल्स वॉल्यूम ऑफ 25,000 एंड 30,000। अब क्या, रुको शांति, चार कॉलम बनाए जाएंगे, पूरा सुन लो, पर्टिकुलर्स, पहला कॉलम 20,000, दूसरा, तीसरा, शुरुआत पहले दो कॉलम की होगी, 20,000 का निकाल के फिक्स कॉस्ट निकल जाएगा, और उसी फिक्स कॉस्ट का इस्तेमाल करके बोलो ना 25,000 भी निकल जाएगा 30, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट तो मालूम ही है, फिक्स कॉस्ट हमने निकाल ली है। आपका समय खुद का शुरू होगा, फिर 3 मिनट बाद मेरा शुरू होगा, चार कॉलम बनेंगे, इज्जत से कोई लिखेगा नहीं, पहले पेंसिल हाथ में होगी और स्केल होगी, क्या कर रही है यहां पे, कौन है, स्केल पेंसिल लगेगी, पहला कॉलम बड़ा होगा, बात के चार छोटे, बात के 3 छोटे छोटे से होंगे, निकाल लिया। और 3 times ओके, मतलब 25,000 और 30,000 का बोला क्या आपने, 25 का कितना है और 30 का 3 times ओके, ऐसे ही आ रहा है सबका, 5 3 5 3 5 3 आ रहा है, और आपने सीधा फॉर्मूला यूज किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, जान दो कोई भी यूज कर सकते, देयर इज नो प्रॉब्लम, अगर परसेंटेज चेंज वाले में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा करना पड़ती है, यू कैन यूज एनी ऑफ द फॉर्मूला हियर, कितना है तुम्हारा 5 3, सभी का आंसर 5 3 आ रहा है यहाँ पे, 5 3 5 3, क्वेश्चन आई विल शो यू द क्वेश्चन हियर प्लीज,
और क्वेश्चन हो गया होगा तो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पेंसिल से, वो प्रेजेंटेशन में कुछ चक्कर मत करना इस क्लास में, मैं नोटबुक कभी भी चेक कर सकता हूँ, मुझे वो प्रेजेंटेशन अच्छा है, वो विदाउट स्केल किधर भी ठोक रहे लिख रहे ऐसा कुछ मत करना यहाँ पे क्लास में, प्रॉपर लिखना अच्छे से, और नहीं है तो खरीद लो आज ही, वो अपनी खुद की बुक ही खुद को पढ़ने को अच्छा नहीं लगता बाद में, एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या पढ़ेंगे हम लोग, किससे पढ़ेंगे, और गलतियाँ होती तो सुधार लेना उसको। हाँ जी, सभी लोग का आंसर आ गए, अब जिन लोग का आंसर, कितने लोग का आंसर आ गया, 5353, अच्छा काफी लोग आ ही गए, मैं शुरुआत कर दूँ, आप मुझे थोड़ा सा डिक्टेट करेंगे तो अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना, चलो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बताएंगे सेल्स कितना है बच्चों, 20,000 को कितने से मल्टीप्लाई करूँ मैं, यहाँ पे 14 से मल्टीप्लाई कर लूँ, ये कितना आएगा 2,80,000 बराबर है, अब मैं 25,000 को मल्टीप्लाई कर लूँ कितने से, 14 से कितना आएगा, ये आएगा 3,50,000 बराबर है, एंड 30,000 मल्टीप्लाई पर कितना करूँ, 14 4,20,000 ये आ गया यहाँ पे, राइट, अब इसमें क्या करूँगा माइनस में, कितना है 9 रुपये, तो 9 को मल्टीप्लाई एट द रेट ऑफ 9 एट द रेट ऑफ 14 राइट ओके 9 से मल्टीप्लाई करो 20,000 को 1,00,000 इट 9 से मल्टीप्लाई करो 25,000 कम ऑन 2,25,000 सभी जिनका आंसर होगा चेक करते रहे हाँ 9 से मल्टीप्लाई करो 30,000 कम ऑन कितना आएगा ये बराबर है अब बताओ यहां पे क्या करना होगा हमें अब हमें निकलेगा हमारा क्या निकलेगा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है ये 1,00,000 रुपए यहाँ पे कितना हो जाएगा 1,25,000 रुपए यहाँ पे कितना आएगा 1,50,000 रुपए सबका सही है यहाँ तक यहाँ पे क्या निकालूं मैं यहाँ का निकालूंगा पहले EBIT जो कि पूरा मेरा जीरो आ चुका है अब EBIT जीरो अर्थात मैं रिवर्स ऑर्डर में जाऊंगा तो मुझे लगेगा फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई अरे समझा कि ये बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर कितना हो गया ये बराबर और अगर ये 1,00,000 है तो सबका 1,00,000 बिकॉज फिक्स कॉस्ट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड सो व्हाट शुड आई राइट हियर 1,00,000 1,00,000 बोलो आंसर कितना है ये 25,000 50,000 एवरीवन कम ऑन डॉल निकाला जाए ये है मेरी डॉल अब बोलो डॉल में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कर दूं क्या सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं हाँ बोलो क्या लिखूं कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन बोलो हाँ तो क्या लिखूंगा यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन कितना था इसका अपने को निकालना किसका है दोनों इधर का निकालना है ठीक है हाँ बताओ ये कितना निकालना है कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन कितना है ये 5 times हो गया क्या और ये कितना है तो मैं टाइम्स लिखना नहीं भूलूंगा सभी लोग अपना आंसर चेक कर ले इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे Did you understand? यहाँ पे इन्होंने ये नहीं पूछा कि लेवरेज का मतलब क्या है डॉल होती क्या है पर मुझे बताओ अगर मैं आपको सिर्फ ऐसे फॉर्मूला दे के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके दिल में भी तो रहेंगे लेवरेज है क्या और कल्चर के थ्योरी क्वेश्चन आ गए तो आप क्या लिखोगे लेवरेज क्या है आप कल्चर के क्लास के बाहर किसने पूछा तो आपको ये तो समझ आएगा ना भाई कि लेवरेज आप कल्चर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर लेवरेज वर्ड दिखे तो कम से कम दिमाग से निकल क्या बोलना चाह रहा है वो अंडरस्टैंडिंग से पढ़ना है फिर लेट हिम आस्क एनी क्वेश्चन फिर उनको थ्योरी कुछ भी पूछना यू शुड बी थरली रेडी इसका मतलब ये होता मुझे पता है ना लेवरेज का मतलब क्या है दिस इज हाउ वी हैव टू स्टडी ओके एवरीबॉडी अब हम जाएंगे DFL की ओर किसकी ओर जाएंगे DFL DFL का मतलब क्या हो गया सर आपने जो DOL लिया उसके लिए एक ही क्वेश्चन है बहुत क्वेश्चन है पर आप क्या होते हो कॉम्बिनेशन में आते हैं DOL और DFL के क्वेश्चन ही आते हैं साथ में तो जब तक मैं DF ये सेपरेट वो क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ डॉल था अभी DFL बोलूंगा फिर इसके बाद इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है फिर हम लोग कल से सिर्फ क्वेश्चन क्वेश्चन करते रहेंगे राइट तो एक 10 से 15 मिनट में मैं आपको DFL समझा सकता हूँ चालू करूँ मेरा समय शुरू होगा एक बार चेक करेगा ध्यान से एवरीबॉडी प्लीज कॉन्सेंट्रेट चलो बताओ फॉर्मेट बताओ जल्दी से अब अपना हेडिंग लिखेंगे आप क्या लिखेंगे हेडिंग आप चलो लिख दो अच्छे से लिखना है ये बिल्कुल आज से पेन अच्छे से खरीद लो आप जो भी लिखेंगे एकदम अच्छे से होना चाहिए अच्छी हैंडराइटिंग निकालने की पूरी कोशिश करो अलग अलग कलर के पेन यूज कर सकते हैं जब भी आपको लगता है कुछ इंपॉर्टेंट है ठीक है
चालुकिया से क्या बोलेंगे इसको हम? DFL. क्या मतलब? डिग्री ऑफ, नाम में ही लिखा है उसके, फाइनेंस मतलब कुछ तो भी होगा फाइनेंस के बारे में, है ना? फाइनेंस से कैसे लेवरेज किया जाए? फाइनेंस लाने के सोर्स होते हैं डेट इक्विटी. क्या होगा अगर हमारा इंटरेस्ट ज्यादा होगा, और क्या होगा जब हमारा इंटरेस्ट कम होगा? उससे हम लोग जानते हैं कि हमारा फाइनेंशियल लेवरेज कैसा है. मैं आपको कुछ दिखाने जा रहा हूँ. चलो पहले बताएंगे सेल्स कितना है बच्चों, कुछ भी बोल दो. 10,000 ले ले, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 ले लेते, अपना क्या आ रहा है आगे? कॉन्ट्रीब्यूशन ले लेते, कितना ले लूँ मैं? वेरी गुड. आप बताएंगे अब क्या है फिक्स कॉस्ट? 2,000 मान लीजिए प्लीज, 5,000. अभी तक सब सही चल रहा है? इसका नाम क्या लिख दो मैं? EBIT. अब आएगा मजा. दोस्तों EBIT के नीचे भी कुछ होता है. ये लिखा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. अब आगे क्या आएगा? पहले इंटरेस्ट आएगा. अरे मतलब मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसे भी बढ़ा सकता हूं, इसलिए खुश हो. मेरे दिमाग में नहीं आइडिया, इसलिए मैं इससे खुश हो गया. इंटरेस्ट कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता. दो टाइप के लोग धंधे करते हैं. कुछ लोग बिजनेस में लोन ही नहीं लेते, सारा रिजर्व से काम चलाते हैं, उनका इंटरेस्ट जीरो. पर जनरली भाइयों और बहनों, आजकल कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में दिल्ली से लेके पुणे तक के जितने बिल्डर्स हैं, उन्होंने इतना लोन, घनो लोन, बहुत लोन ले रखा है. और जिस कैसे उनकी लगी है वाट, अब देखते कैसे. बताओ ज्यादा अगर कंस्ट्रक्शन का बिजनेस होगा, ज्यादा आपने लोन उठा के रखा है, तो इंटरेस्ट आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा या कम पे करना? ज्यादा या कम पे करना पड़ेगा? तो आप ऐसे ही कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बात करते हो, बहुत सारा लोन लिया है, ये मैं लिख रहा हूं कंस्ट्रक्शन का बिजनेस. ओके, और यहां पे क्या आएगा बच्चों? EBT. सर EBT का मतलब क्या होता है? तो भारत में टैक्स भी लगता होगा क्या? मोदी जी हमसे टैक्स भी लेती है? 30% मान ले कंपनी है, 40% मानते हिसाब के लिए ठीक रहेगा. हाँ आप बताओ क्या होगा, कितना आएगा? खत्म हो गया या? ओके. अब ऐसी कंपनी जो पैसा ज्यादा इंटरेस्ट पे नहीं लेती, नहीं लेती. कुछ लोग, अभी देखो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में पैसा बहुत लगता है. SPC को पैसा काहे को लगता है? SPC पैसे देता है. मेरे बिजनेस में पैसे लेने की जरूरत है क्या? क्यों नहीं जरूरत है? मैं अपने आप में एक एसेट हूं. नहीं समझ रहे आप? मैं मतलब डॉक्टर्स की बात कर लो, मेरी बात कर लो. आप कल से के CA बन जाओगे, तो CA फर्म को लोन की जरूरत क्या है? वो तो सिर्फ ऑफिस जाकर काम चलेगा. डॉक्टर्स को क्या? डॉक्टर्स को एक बार जरूरत हो सकती है, बिकॉज आजकल इक्विपमेंट्स बहुत महंगा. पर मान लीजिए ऐसा आम डॉक्टर है, तो यार अवला है क्या? कोई बात नहीं बेटा, कल से पार्ली जी का हो बेटा, ठीक है? अब चलो चलो मान लीजिए SPC का बिजनेस जो है वो 10,000 करोड़ रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 3,000 करोड़ रुपए, हो गया 7,000 करोड़ रुपए. फिक्स कॉस्ट भी मान लीजिए सेम ही है, इंटरेस्ट देने की जरूरत ही नहीं, कोई लोन पे भी पैसा नहीं. मतलब जो कंपनी जो कुछ लोन पे नहीं लेती है, उनका इंटरेस्ट हो गया जीरो. अब ये हो गया 5,000 EBT. टैक्स होगा कितना? 2,000 करोड़. आ गया 3,000 करोड़. इसमें ये तो कैलकुलेशंस थे, आपको समझ गए होंगे. अब देखना है मुझे DFL का मतलब क्या है. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज मतलब कंपनी के फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से जो हमने एडवांटेजियस सिचुएशन बनाई है, उसको कहते हैं फाइनेंशियल लेवरेज. अब मैं आपको यहां से उसका फॉर्मूला दिखाना चाहता हूं.
क्या लिखा है? Taking advantage of a financial structure that is a fixed cost of a finance. Sir, इसके पहले भी fixed cost, अभी भी fixed cost, दोनों में मतलब operational में और financial में फर्क कुछ नहीं है क्या? अरे वो fixed cost operation की थी, ये fixed cost finance की है, ये पैसों की fixed cost. सुनो ना जो मैं कह रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ? Financial leverage का मतलब क्या है? अगर ध्यान से सुनेगा please. मैंने मान लीजिए क्लास चालू करने के लिए लोन लिया था, ये 4 करोड़ की जगह है दोनों मिला के, तो 4 करोड़ रुपए लोन पे लिए थे और उसमें मैं 50 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और अब मैं 400 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. तो मुझे बताओ 400 बच्चों को पढ़ाने की जगह है तो क्या मेरी इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी या सेम रहेगी? मतलब 50 बच्चे भी पढ़ाऊँ तो इंटरेस्ट सेम रहेगा, 400 भी पढ़ाऊं तो आप मुझे क्या एडवाइस करेंगे? सर 50 पढ़ाओ कि 400 पढ़ाओ? तो इसका मतलब क्या है? इररेस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ सेल माय फाइनेंशियल कॉस्ट इज गेटिंग सेम. अरे हाँ ना, मेरे 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 इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है भले ही एसपीसी का सेल बढ़ रहा है. मेरे 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 जो 4 करोड़ रुपए मैंने लिए हैं, अगर मैं 500 बच्चे पढ़ाऊँ 500 बच्चे पढ़ाऊँ या पेन ड्राइव से 10,000 बच्चे पढ़ाऊँ, अरे बोलो ना क्या? तो क्या इट विल रिमेन सेम? तो आप मुझे क्या बोलेंगे? ज़्यादा बच्चे पढ़ाओ या कम बच्चे पढ़ाओ? तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ? ज़्यादा बच्चे पढ़ाओ. और वेयर एज मैं कौन सी फिक्स्ड कॉस्ट बोलो ना, माय फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट इज अ कांस्टेंट. जितने स्टूडेंट के नंबर बढ़ रहे हैं उतना मेरा इंटरेस्ट थोड़ी ना बढ़ रहा है, इसलिए तो मुझे फाइनेंशियल लेवरेज मिल रहा है. इसके पहले मैंने आपको फिक्स्ड कॉस्ट समझाई थी, वो फाइनेंस की थोड़ी ना थी, वो फैक्ट्री की फिक्स्ड कॉस्ट थी. अभी मैं वर्ड यूज करना, अगर आपको ये कॉस्टिंग में समझाया हुआ शायद से, पर मैं देखता हूँ अभी समझा के एक बार. देखो इतना एरिया होता है ना, इसको ऑपरेशनल एक्सपेंस बोलते हैं और ये एरिया जो होता है ना इसको फाइनेंशियल एक्सपेंस, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे जो आता है ना फिक्स्ड कॉस्ट उसको ऑपरेटिंग लेवरेज बोलते हैं और इसकी वजह से जो निर्माण होता है ना उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं. बराबर है? ये ऑपरेशन मतलब काम करने के लिए लगने वाला खर्चा होता है ऑपरेटिंग लेवरेज. मुझे बताओ कौन सा कंपलसरी झक मार के लगता ही है? मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा ये ब्रैकेट अब ये मान लो इस तरह से है, टैक्स नहीं है इसके अंदर. रुको मैं आपको कुछ करके दिखा रहा हूँ. आप बोलेंगे टैक्स तो लगता ही है. हाँ चलो बताओ मैं क्या बोल रहा हूँ. अगर मान लो ये एरिया है वो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस है, कौन सी चीज़ झकमार के लगती है? आपको ऑप्शन ही नहीं. ऑपरेटिंग सर, रॉ मटेरियल तो लगेगा अगर आपके ऐसी एयरलाइन जैसी कंपनी तो फिक्स कॉस्ट लगेगा, पर ज़रूरी नहीं कि एयरलाइन कंपनी को इंटरेस्ट से पैसा लेना ही पड़े. अरे यार मैं बैच पे पैसा लूँ नहीं लूँ मेरी मर्जी है, पर एयरलाइन का बिजनेस करो तो एयरलाइन तो लाना ही पड़ेगी ना. नहीं समझे? मतलब एसपीसी का बिजनेस अगर कर रहा हूँ तो मुझे जो ये क्लासरूम लग रही है तो फिक्स कॉस्ट है, या फिर मेरे का जो जो ये लैपटॉप वो तो लगने वाला, पर ज़रूरी नहीं है सारा पैसा मैं बैच से पैसे लेके करूँ, हो सकता है मेरे खुद के भी तो पैसे हो. इंटरेस्ट कॉस्ट फाइनेंशियल का खर्चा लगना नहीं लगना इज नॉट ऑप्शनल, पर ऑपरेशनल इज ऑलवेज देयर, चाहे इररेस्पेक्ट ऑफ एनी बिजनेस. नहीं समझे? मतलब वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट तो थोड़ा बहुत रहता ही है, उसमें कुछ उसके बिजनेस कैसे करोगे? पर फाइनेंशियल होगा भी और नहीं भी होगा, जरूरी थोड़ी नहीं कि हर बिजनेस इंटरेस्ट में लेता ही है. तो इसीलिए हर कंपनी को डॉल जरूर मिलती है, डॉल मिल सकती है, पर DFL होना नहीं होना डिपेंड करता फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट पे. कभी देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज दोज हु डू नॉट बोर, मैं खुद ही, मैंने आज से 1 रुपए बैंक से लोन ले लिया, मैं लेकर करूँ क्या? मैंने कमाया उसके जगह ले ली, तो अब मुझे लेकर मुझे करना ही कुछ, तो मेरे को ये इसका फायदा DFL का कुछ होना ही नहीं मेरे साथ में. एवरीबडी गेटिंग दिस? या ओके फाइन. बस लास्ट का एक पॉइंट है मुझे समझाना है, क्या ऑसम है. आओ ना देखिए क्या लिखा है यहाँ पे. तो ये एडवांटेज कैसे ले सकते हैं लोग, कोई मुझे बताओ. यहाँ लिखा है टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट, इसको देखो और मुझे बताओ कैसे एडवांटेज ले सकते हैं आप. बोले ये एडवांटेज नहीं ले सकता, ये ले सकता है. क्या एडवांटेज ले सकता है? ये अगर अपना सेल बढ़ा दे
20,000 कर दे, बोलो ना। अरे कंस्ट्रक्शन वाला 20,000 कर दे, 30,000 कर दे, 40 कर दे, 50 कर दे, आगे बोलो ना, बोलते चलो 1,00,000 कर दे, तभी भी उसका इंटरेस्ट विल रिमेन सेम, तो उसको कुछ फायदा होने वाला है। एसपीसी को तो चाहे है, बोलो ना आगे, चाहे वो 10 करे, 20 करे, 30 करे, 40 करे, उसको डीएफएल कुछ नहीं मिलने वाला, बिकॉज मेरा फाइनेंशियल कॉस्ट वैसे भी जीरो था, वैसे भी जीरो जीरो ही होता जाएगा। इनका साला, इनका तो क्या है, अगर 10,000 का भी बेचे तब भी 4,000 इंटरेस्ट, ये 20,000 का बेचे 4,000 का इंटरेस्ट, 1,00,000 का बेचे, 10,00,000 का बेचे, 4,000 इंटरेस्ट ही होगा ना, तो उनको तो और है, मतलब वो जितना बेचेंगे उनको डीएफएल और मिलेगा। तो व्हाट दे विल ट्राई टू डू, दे विल ट्राई टू सेल मोर, है ना, वेयर एज इंटरेस्ट कॉस्ट विल रिमेन सेम। पर मुझे बताओ, एक जवाब देंगे, इसका डीएफएल निकाल के बताओ ना मुझे, डीएफएल कैसे निकालेंगे, हाँ बताओ क्या फॉर्मूला इसका, एक इधर देखना, इधर लास्ट ये वाला फॉर्मूला देखते आज, सिंपल वाला, ईबीआईटी अपॉन क्या लिखा है, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी, ईबीआईटी आगे बोल क्या, ईबीआईटी अपॉन क्या बोल रहे हैं, पांच हजार मैं लिख रहा हूं यहां पे क्या, डी एफ एल इज इक्वल टू, बोलो ना, 5,000 अपॉन, और इधर क्या लिखूं मैं, और बोलते इधर कितना आएगा, और इधर कितना आएगा, समझे, इंटरप्रेट करो इसको, ये टाइम्स लिख सकता हूं मैं यहां पे, इसको भी टाइम्स लिख सकता हूं, आप मुझे बताओ क्या बोलना चाहेंगे, किसका लेवरेज ज्यादा है, और कोई समझदार जवाब देंगे आज। वंस अगेन मूवी टिकट क्वेश्चन आपको जवाब देना है, कौन से कंपनी को आप ये मानते हैं ये बहुत, हाथों पर करना तुरंत, बहुत रिस्क लेकर चल रही है। बेटा आप खड़े हो जाना प्लीज, हाँ जी बता बेटा किसका है, बोलिए, हाँ जी बोलिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी आपके हिसाब से ज्यादा रिस्क लेकर चल रही है, 5 उसका ही है, इसका मतलब कहां पे, अगर आपने किसी कंपनी में पैसा लगाना तो पहले उसका लेवरेज देखना जरूरी है। बेटा अगर किसी कंपनी का लेवरेज ज्यादा है डीएफएल वाला फाइनेंशियल, तो इसका मतलब उसका डेट ज्यादा है कि कम है, बोलो भाई, और जिस कंपनी का डीएफएल कम है मतलब उसका क्या कम है, इसलिए बताओ किसने ज्यादा धंधा करना चाहिए, तो उड़ जाएगा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने ज्यादा बिजनेस कराने तो उसकी शामत आ जाएगी, समझ में आ रहा है। अगर एसपीसी बिजनेस करे नहीं करे, बैंक यहाँ पे चढ़े, बैंक को धक्के मार के, बैंक से ले आया क्या मैंने कुछ, ए बैंक कोई आने की जरूरत नहीं, अबे मैं कोई विजय माल्या नहीं, डिड आई टेक लोन फ्रॉम एनीवन, कल चेक के धंधा बंद करो ना, कोई इधर नहीं आएगा, पर इधर धंधा बंद हो ना सब लोग बजाएंगे, बिकॉज लोगों से तुमने एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएफएल, समझ गए, थैंक यू सो मच, आपको भी देंगे टिकट। दोस्तों आपको जरूर फटाफट लिखना है, 2 मिनट में खत्म करना है बस। लिख दिया आपने, हाँ ये और क्या लिखेंगे बेटा, बोल रहा है ये लिखना है क्या, ईबीटी तक भी लिखा तो चलेगा बस, राइट ओनली टिल ईबीटी, नो प्रॉब्लम। हो गया क्या,
डाउट है इसमें कुछ? इसका DFL निकाल सकते हैं? निकालो DFL. ये आप टैक्स और वो मत निकालना, ये सब चीज़ टैक्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ तो निकाल के दिखाया था मैंने आपको. आप डायरेक्ट DFL निकाल दो. DFL का फॉर्मूला बता सकते हैं वहाँ पे? EBIT upon EBT. तो EBIT इधर कितना है? 5000 और EBT कितना है इसका? 1000. इसलिए 5 टाइम्स आ रहा है. और यहाँ पे क्या होगा, मतलब क्या होगा इसका? Can you just tell me 5 टाइम्स का मतलब क्या है? क्या है EBIT कितना बढ़ेगा तो कितना EBT बढ़ेगा? बोलो जल्दी से. अगर मान लीजिए EBIT कितने से बढ़ेगा तो कितना आपका EBT बढ़ेगा? ऐसे इंटरप्रेट करेंगे ना आप, मतलब क्या होगा, ये कितने से बढ़ेगा तो ये कितने से बढ़ेगा? EBIT 5 टाइम्स है, इसका मतलब अगर इनका एक गुना क्या बढ़ता है तो बदले में क्या बढ़ता है, तो क्या 5 टाइम्स उनका बढ़ सकता है? तो इसलिए उन्हें क्या करना चाहिए, EBIT ज़्यादा करने की कोशिश करना चाहिए. और EBIT ज़्यादा बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पे लिखा है अगर EBIT एक गुना बढ़ाए तो 5 गुना पर क्या बढ़ेगा, EBT बढ़ेगा. पर अभी एक सवाल उठ रहा है, EBIT बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेल्स बढ़. तो अल्टीमेट इसीलिए तो हर कंपनी इतनी मार्केटिंग करती है. वीवो ओप्पो से समझ लीजिए, बाबा पतंजलि जो है ना सवेरे 5 बजे से मार्केटिंग चालू करते हैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस्तों, मार्केटिंग करते क्यों, बिकॉज सबसे बड़ा एरिया कोर मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड फाइनेंस का पत्ता भी नहीं हिलता जब मार्केटिंग नहीं होती. क्या झंडे गाड़ लोगे आप, फाइनेंस पेपर पे दिख रहा है, बढ़ा दो सेल्स. अरे बढ़ेगा कब ना, तो इसलिए तो लोग मार्केटिंग में करोड़ों लगाते हैं. अब समझा क्या होगा, ये कब होगा, ये लेवरेज कब मिलेगा, आप बोलेंगे इतना बढ़ा दो तो इतना बढ़ेगा. अरे उतना बढ़ाने के लिए पहले मार्केटिंग, सेल्स, ब्रांडिंग, प्रमोशन. इसीलिए तो आमिर खान वीवो के लिए आता है, इसीलिए तो कोटक महिंद्रा जो है ना वो रणवीर सिंह को लेता है. पागल है ये लोग, हजारों करोड़. अमिताभ बच्चन कौन सा मोबाइल लॉन्च करता है? दे आर डूइंग सो मच बिकॉज दे वॉन्ट टू इंक्रीज एंड अनलेस एंड अंटिल दे एक्सपांड द सेल दे विल नॉट बी एबल टू गेट दिस एडवांटेज. ये सब अब समझा फाइनेंस और सेल्स में क्या कनेक्शन है. वो फाइनेंस वाला सेल्स बोलता है भाई बढ़ाना, ये सब करना है मुझे, इतना लेवरेज करेंगे, ये करेंगे, दुनिया करेंगे. ये तब पॉसिबल है जब मुमकिन होगा. कब, जब कौन क्या कर रहे हैं, सेल्स मार्केटिंग वाले बंदे स्ट्रॉन्ग. इसलिए तो मार्केटिंग और सेल्स वाले बंदों की सैलरी बहुत ज्यादा होती है. मार्केटिंग मैनेजर को उसकी फाइनेंस तो बात की बात है, पहले क्या बढ़ना चाहिए. ये तो सब मुमकिन तभी होगा ना जब मेरा सेल होगा. ये तो सब किताबों में बहुत अच्छा लग रहा, सेल बढ़ा देंगे, बढ़ेंगे कैसे. इसीलिए तो मार्केटिंग को इतना आजकल आप देख रहे हो, कितना लोग रास्ते पे, होर्डिंग पे, रेडियो पे, टीवी पे क्या करते हैं, सिर्फ मार्केटिंग, सेल्स, प्रमोशंस. एवरीबॉडी, लास्ट का एक मिनट, सिर्फ जो जो हमने पढ़ा है खत्म करेंगे, राइट? ओके दोस्तों, आज हमने शुरुआत की थी, देर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेजेस, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3. आप बताएंगे इस DFL में से और डॉल में से कौन सा वो लेवरेज है जो फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से आता है और जो फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से आता है. आपसे ये भी सवाल है, बताएंगे एयरलाइन कंपनी की बात करूंगा मैं और दूसरे ऐसी कंपनी की बात करूंगा जो वो ये करती है, IT कंपनी करती है, दोनों में से किसकी फिक्स्ड कॉस्ट ज्यादा होती है. इसीलिए बताओ किसकी रिस्क भी ज्यादा है, किसका लेवरेज भी ज्यादा होगा. अगर मैं आपसे पूछूंगा जिस धंधे का फिक्स कॉस्ट ज्यादा है उसके लेवरेज, मतलब वहां पे रिस्क, मतलब उनको ज्यादा कमाना बहुत, किसको बहुत भूख तड़प होंगी कि ज्यादा सेल होना ही चाहिए तो मर जाएंगे, लुट जाएंगे, जिसकी इन्वेस्टमेंट. और मान लीजिए जो अपने BPO KPO थे उनको इतना सेल करने की इच्छा क्यों नहीं होती, इतनी इच्छा नहीं मतलब तड़प क्यों नहीं होती. अगर मान लो नहीं भी होता तो ऐसा कुछ उखड़ने वाला नहीं, क्या बर्बाद हो जाएगा मेरा, वैसे कुछ लगा हुआ नहीं है. अब चलो हम लोग इसकी बात करेंगे, किसकी. तो एक सवाल, अगर किसी का लेवरेज 1.16 है और किसी का 2.33 जैसे हमारे एग्जांपल में था, आपके हिसाब से कौन सी कंपनी का लेवरेज ज्यादा हो गया? 2.33, मतलब क्या हुआ, दो इंपैक्ट हुए उसके. 2.33 का मतलब क्या हुआ, उसने फिक्स कॉस्ट बहुत लगा के रखी है और एट द सेम टाइम उसकी रिस्क है, मतलब उसको बहुत मेहनत करना है, ज्यादा सेल करके बहुत सारा पैसा निकालना पड़ेगा, तो उसने बहुत ज्यादा सेल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ओके, अगर मैं फाइनेंशियल लेवरेज की, अच्छा ऑपरेशनल लेवरेज के दो फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1,
परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन, ये खत्म हुआ. दूसरा फॉर्मूला कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन, ये तो एकदम सिंपल. अब मैं बात करूंगा DFL की, और DFL बताएंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कब जनरेट होता है, जब इंटरेस्ट कॉस्ट होती है कि नहीं होती है. तो बताएंगे अगर SPC की जीरो है और किसी कंस्ट्रक्शन वाले की बहुत ज्यादा है तो किसका लेवरेज DFL ज्यादा होगा. यहाँ पे आपने देखा था 5 आया था और 1 आया था, मतलब SPC का लेवरेज कितना है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट 0, और जिसका इंटरेस्ट ज्यादा उसका लेवरेज, मतलब आप देख सकते हो जिसका इंटरेस्ट ज्यादा उसका लेवरेज ज्यादा, जिसका इंटरेस्ट कम उसका लेवरेज. बताएंगे जिसका फाइनेंशियल लेवरेज ज्यादा मतलब उसका डेट, मतलब समझ कल्चर के किसी सामने अगर बैलेंस शीट दिखे और दिखाया कि इसका DFL ज्यादा है तो समझ जाना ये कर्ज बाजारी है, मतलब ये इसने बहुत लोन लेके बैठा है, समझना. दिस इज हाउ इट इज टू. और बताओ उसका रिस्क ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, मतलब वो काम नहीं करे तो लग गए उसकी. एवरीबॉडी अंडरस्टूड, सब कुछ क्लियर है. सो बस, आई सी यू टुमारो. थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर. सो दोस्तों, आपके पास में जो चीजें होना जरूरी है, आज क्लास में से जाने के अंदर आपको वॉल्यूम 1 कलेक्ट करना है. आपके इसमें कैल्सी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, ये सारी चीजें सामग्री आपके साथ में होना जरूरी है. और जो भी हम लोग करेंगे पूरी तरह से पहले प्रैक्टिस, जैसे आज हमने देखा पतंजलि दिखा, आज हमने आपको किंगफिशर इंडिगो दिखाया, इस तरह से प्रैक्टिकल समझना है कि बहुत फास्ट फास्ट उड़ाना है, प्रैक्टिकल समझ के चलना है ना. ओके, आई सी यू, बाय बाय.